गुड मॉर्निंग स्टूडेंट तो आज अपन डी टेस्ट सीरीज फॉर जेई 2021 में डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स का पेपर ये डी आपकी क्या है 15 तो चलो इसमें टोटल थ्री सेक्शन है सेक्शन ए सेक्शन बी एंड सेक्शन डी सेक्शन ए में सिंगल चॉइस के क्वेश्चन है सेवन और टू बेटा पैसेजेज हैं आफ्टर दैट मल्टीपल चॉइस के सेवन क्वेश्चन हैं एंड नेक्स्ट में सेक्शन डी में इंटीजर टाइप के भी सेवन क्वेश्चन है तो चलो ओपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का मोड और एक्स इज एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब ये आपका कंपोज़िट फंक्शन है से टू है. है आपको हैज एट डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन देन वैल्यू ऑफ एन इज एक्स इक्वल टू के के टोटल ए डिस्टिट सोल्यूशन है तो बताओ एन की वैल्यू क्या हो सकती है देखो इस क्वेश्चन में क्या करना बेसिकली अपन को सिंपल क्वेश्चन है जैसे लेट आपको एफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस टू का मोड अब इसका डबल एफ एक्स की बात करोगे आप तो एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा मोड एक्स माइनस टू का मोड़ माइनस के टू ठीक है अगर अपन ट्रिपल एफ एक्स की बात करते हैं एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स तो उसमें क्या होगा इस एक्स की जगह जब एफ एक्स लोगी तो वंस अगेन क्या आ गया एक्स माइनस टू का मोड माइनस टू का होल मोड़ माइनस टू ठीक है ना इस तरीके से तो देखो इसको समेटी से ऐसे समझो जैसे ओनली एफ एक्स के डायग्राम की बात करोगे आप तो ये टू पे आपका टर्न लेगा ना तो इस केस में अगर आपका gx को अगर एफ एक्स सिलेक्ट करें तो जीएक्स इक्वल टू एफ एक्स लोगे तो y इक्वल टू के की लाइन क्या करेगी इसको इसको टू पॉइंट पे क्या करती है इंटरसेक्ट तो कितने सोल्यूशन होंगे टू अगर जीएक्स की जगह क्या हो ओनली एफ एक्स अगर अपन डबल एफेक्स की बात करते हैं तो एफ ऑफ एफ एक्स के डायग्राम की बात करो तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसके डायग्राम को डॉ करते हैं तो जब आप इसके डायग्राम को डॉ करोगे तो, तो देखो क्या करना है ये तो किसका डायग्राम है वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू का डायग्राम इसमें से टू करो पहले सपरेक्ट तो क्या होगा ये डायग्राम डाउनवर्ड बिलो द एक्स एक्सिस क्या होगा शिफ्ट होगा आपका तो देन इसके रिगार्डिंग इसके डायग्राम को कैसे ड्रॉ करोगे देखो ये जीरो कोमा टू है ना तो टू ऐड करोगे आप सॉरी टू सपरेट करोगे तो डायग्राम आपका ऐसे चला जाएगा ये डायग्राम है एक्स माइनस टू का मोड माइनस टू का और जब आपका इसका वंस अगेन क्या लोगे एक बार मोड़ और तो एक बार जब मोड़ लोगे तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है क्या बन जाएगा पॉजिटिव मतलब ये आपका ऐसे बन जाएगा समझे और ये पॉइंट कितना है वन लिख लेना जो भी है ठीक है तो क्योंकि ये पॉइंट तो अगर टू कोमा जीरो है सॉरी ये आ गया आपका ये टू कोमा माइनस टू है तो ऐड इसको अप लोगे तो टू कोमा टू आ गया अगेन डबल एफ एक्स को अगर करते स्टार्टिंग में तो आपने जी एक्स को ड्रॉ किया तो जीरो मतलब नीचे लेना है वाई इक्वल टू के लाइन को तो इस केस में टोटल कितने सोल्यूशन है फोर सोल्यूशन सिमिलरली ट्रिपल एफ एक्स की बात करोगे तो उस केस में एट सिक्स सोल्यूशन आने वाले मतलब एफ एक्स के टू सोल्यूशन डबल एफ एक्स के फोर सोल्यूशन ट्रिपल एफ एक्स के सिक्स सोल्यूशन तो चार बार एफ एफ हो गए तो टोटल क्या होंगे एट सोल्यूशन तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि जी एक्स इक्वल टू के हैज एट डिस्टिट सोल्यूशन देन दी वैल्यू ऑफ जी। तो इस केस में आपको इसका एट आंसर फिल करना है तो देन इसका बेटा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स का मोड इक्वल टू को माइनस फाइव आई टू से फाइव आई टू है तो दिस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन को करना फाइंड हो तो सिंपल सी बात है आप सबने पढ़ा है साइन इनवर्स साइन एक्स को आप एक्स लिख सकते हो कब जब x आपका माइनस फाइव आई टू से फाइव आई टू ये सर तो सिंपल सी बात ये होगी ना अगर x माइनस फाइव आई टू से फाइव आई टू साइन से साइन को कैंसिल किया तो देन इट इज बिकम इक्वल टू कॉस एक्स अब आपको माइनस फाइव आई टू से फाइव आई टू में दिस इक्वेशन की क्या चाहिए टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन तो क्या करो आप इन दोनों को वायलेट करो जब भी कोई भी इक्वेशन गिवन हो और उसमें टू डिफरेंट टाइप के वेरिएबल हैं या टू डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस हैं ये आपकी टेक्नोमेट्रिक पार्ट है ये आपका एलिजेब्रिक पार्ट है और इस केस में अगर इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन को आपको फाइंड आउट करना है तो देन क्या करो आप लेफ्ट साइड का डायग्राम ड्रॉ करो राइट right साइड के डायग्राम को ड्रॉ करो गिवन इंटरवल में और बोध के डायग्राम जितने पॉइंट पे क्या करते हैं इंटरसेक्ट देन उतने ही क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन तो क्या करोगे कोसेक्स की डायग्राम माइनस पाई से पाई में ऐसे होगा और y इक्वल टू मोड एक्स का डायग्राम ऐसे होगा तो टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे बोलो सोल्यूशन तो इसका टू सोल्यूशन है तो इसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है ठीक है चले उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन में एक फिगर के बिना आपको इसमें बोला गया कि ए बी सी डी ये जो ए बी सी डी है ये एक स्क्वायर है एंड ई एफ जीसी ये भी आपका एक स्क्वायर है ठीक है और जो पॉइंट डी है ये तो ओरिजिन बोला गया है एंड लाइज ऑन कर्व देन की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है एफ जी रेशियो बीसी की वैल्यू को क्या करना है कैलकुलेट तो देखो कैसे करोगे सिंपल क्वेश्चन है इसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं पर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं जैसे ये आपका कर्व है वाई इक्वल टू के रूटैक्स इस कर्व के अकॉर्डिंग देखो जैसे लेट ये B लेट ये पॉइंट आपको करना है तो बी पॉइंट लाइज ऑन दी वाई टू के रूट करो इसमें X को लेट कर दो तो, y क्या गया, के तो, कर तो कर वाई और B का भी क्या क्योंकि आपको एफ जी अपॉन बी सी मैंने पॉइंट बी तो लेट किया एक्स कॉन्डेंट अल्फा स्क्वायर तो वाई के अल्फा सिमिलरली इसको एक काम करते हैं इसको बीटा स्क्वायर लोगे तो ये आ गया के बीटा तो इसके अकॉर्डिंग आपका रेशियो क्या होगा एफ जी तो के बीटा होगा और बीसी आपका के अल्फा तो देन आपका रेशियो आ गया बीटा अपन अल्फा मतलब आपको बीटा अपन अल्फा की वैल्यू को करना कैलकुलेट यस सर तो उसके लिए देखो क्या प्रोसीजर है बी पॉइंट अगर आपका दिस है तो ये पॉइंट तो आ गया अल्फा स्क्वायर को मा जीरो और जी पॉइंटेज बीटा कॉमा जीरो अगर ई e पॉइंट की बात करूं तो ई e पॉइंट क्या होगा एक्स अल्फा स्क्वायर होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा दिस लेंथ? अरे ये तो क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा दिस लेंथ? तो के बीटा आ गया इतना आने के बाद क्या करना है देखो अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की कंडीशन क्या होगी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगी ना तो दिस लेंथ इज अल्फा स्क्वायर दिस इज के बीटा तो एक रिलेशन तो आ गया अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के बीटा देखते हैं इसका यूज क्या होगा सॉरी के अल्फा दिस लेंथ अल्फा स्क्वायर है और बी सी लेंथ आपकी लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू बी सी तो ये के अल्फा सॉरी सी डी अल्फा स्क्वायर है और बी सी आपकी कितनी है के अल्फा तो के अल्फा आ गया एल्फा से अल्फा कैंसिल तो अल्फा की वैल्यू क्या आ चुकी K. ये लो अल्फा के आने के बाद वंस अगेन ये जो लेंथ है आपकी वो ये लेंथ की इक्वल होगी ना क्योंकि सी जी एफ ई इज ऑल्सो स्क्वायर तो ये लेंथ क्या होगी बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर तो ये टोटल बीटा स्क्वायर है ये अल्फा स्क्वायर है तो देन दिस इज बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू दिस लेंथ इज के के बीटा इतना आने बाद एक काम करो अपन को वैल्यू चाहिए बीटा बीटापन अल्फा की तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक काम करें इसमें आप के की वैल्यू पुट कर दो तो कितना आगे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बीटा आपको बीटा बीटापन अल्फा की वैल्यू को करना है कैलकुलेट तो क्या करो उसको अल्फा बीटा से डिवाइड कर दो तो इसको अल्फा बीटा से डिवाइड किया तो यह आ गया बीटा अपॉन अल्फा ये वन हो गया ना तो इसको इधर ले दे तो माइनस वन या पहले इसको लिख देते हैं माइनस एल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू वन ये लो सिंपल बीटा अपॉन अल्फा एल्फा बीटा से डिवाइड किया तो बीटा अपॉन अल्फा माइनस के अल्फा बीटा इक्वल टू वन और बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू को करना है कैलकुलेट तो इसको एक काम करें टी लेट करें आप समझने के लिए तो टी लेट करोगे तो क्या आ गया क्वेश्चन टी स्क्वायर और ये टी ए ये वन अपॉन टी इक्वल टू वन है तो लिख देते हैं इसको टी माइनस वन अपॉन टी माइनस वन इक्वल टू जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इट इज बिकम इन टी तो टी स्क्स इक्वल टू जीरो फॉर्मूले की बात करूं तो क्या आ गया टी इक्वल टू आने वाला वन प्लस कर लेना गुणा भाग क्योंकि माइनस तो, तो ले नहीं सकते ना क्योंकि तो बीटा अपन अल्फा का रेशियो ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो टेकिंग प्लस वाला आंसर करेक्ट होगा तो टी क्या आ जाएगा वन प्लस रूट फाइव बाई टू तो इसके अकॉर्डिंग इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है तो सिंपल सा क्वेश्चन है चले उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया सीरीज ऑफ एलिप्स ई वन ई टू आर ड्रोन सच दैट ई एन टच इज ई एन माइनस वन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ en वन एंड दी दुका ऑफ ई एन दी एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ ई एन माइनस वन एक बार क्वेश्चन को रीड करें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आपको इलिप्स की सीरीज गिवन है ई वन En एन क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो ई एन एलिप्स है वो ई एन एलिप्स इ एन माइनस वन एलिप्स को टच करता है और टच कैसे करता है उसकी जो ई एन माइनस वन है उसकी मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे टच करता है एंड और ई e एन की जो फुकाए हैं वो ई एन माइनस वन के जो माइनर एक्सिस हैं उसके एंड पॉइंट देखो ना फुकाए ऑफ ई एन माइनस वन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ ई एन माइनस वन इफ एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इंडिपेंडेंट ऑफ एन जो इलिप्सिज है उनकी सेंट्रिसिटी एन से क्या है इनडिपेंडेंट है देन दी वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज तो बताओ इसेंट्रिसिटी क्या होगी इलिप्स की तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में एक बार रफी डायग्राम देखें आप एक बार इलिप्स की सीरीज ड्रॉ करते हैं जैसे लेट आपने एक इलिप्स ये लेट किया जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस आपकी वाई एक्सिस ये आपका लेट ई एन माइनस वन E1 के बाहर E2 होगा E2 के बाहर E3 होगा अब टू सोन क्योंकि En को टच करवाना है En एन En टच करता है En 1 को तो En आपका आउटर होगा En 1 उसके इनर इलिप्स होगा En के ये आपने ड्रॉ किया अब क्या बोला गया है इसका जो बात जैसे लेट आपने E1 वन माना है ये E1 वन लेट किया तो E2 टू क्या करता है E2 टू इलिप्स ईवन की मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे टच करता है और इस पर तो टच करवाना है इनको तो इस पर टच करोगे तो सेकेंड एलिप्स को आप रफली ऐसे कर देते हैं और ये जो सेकेंड एलिप्स है इसको लिख देते हैं ई एन तो ये आ गया उसका प्रीवियस एलिप्स ई एन माइनस वन ऐसे समझो आप चाहो तो एक और बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को जरूरत भी नहीं है मेरे लिए और ये जो ई एन है इसकी फुकाएँ आपकी यहां होंगी किसकी? एन e की ई एन एलिप्स है वो ई एन माइनस वन के मेजर एक्सिस पे के एंड पॉइंट पे टच करना है और इ e एन की फुकाए कोइंसाइड विद दी एंड पॉइंट ऑफ दी माइनर एक्सिस तो अब देखो अपन को सेंटिसिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या प्रोसीजर उसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये लाइट आपका ओरिजिन है एक काम करते हैं इस लेंथ को ए लेट करते हैं इस लेंथ को भी मतलब ये रेड वाले एलिप्स की बात चल रही है तो ये लेंथ ए ये लेंथ बी है तो इस केस में सेंटिसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन ई वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आफ्टर दैट क्या करना है देखो ये जो सेकेंड एलिप्स से बाहर वाला ई एन इसमें वाई एक्सिस तो इसकी होगी मेजर एक्सिस क्योंकि तो इसकी फुकाए यहां है तो मेरी बात सुनना केयरफुली जैसे लेट ये लेंथ आपने ए डेस लेट की तो ये आ गया जीरो कोमा एडेस और ये लेंथ लेट करो आप बी डेस मैंने क्या किया दोबारा सुनो ए एन माइनस वन लिप्स की मेजर एक्सिस की लेंथ ये लेंथ ए है ये लेंथ बी है तो ई स्क्र इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वार अपने स्क्वार सिमिलरली अगर आप बात करते हो तो सिंपल सी बात यह है ना जो ए एन माइनस वन लिप्स है ये इसकी मेजर एक्सिस को टच करता है एंड पॉइंट पे तो ए और ए, बी, ए की वैल्यू बी डेवल्ट होगी तो एक तो रिलेशन आ गया एक्वल टू बी और आफ्टर दैट अगर इसके मेजर की लेंथ है तो इसकी क्या होगी सेंटिसिटी तो ई माननी क्योंकि सारे लिप्स की सेंटिसिटी सेम होगी क्योंकि वो एन पे इनडिपेंडेंट है ठीक है तो उस केस में क्या करना देखो ये लेंथ अगर एडेस अरे एक बात बताओ ये ए है आपका तो इसकी फुकाय तो होगी ए कोमा जीरो तो इसकी क्या होगी एडेस ई -E. तो ये जो फुकाय है आपकी क्या होगी जीरो कोमा एडेस और ये पॉइंट कितना है जीरो कोमा बी क्योंकि इस पर कोई इंसर्ट करने वाला है तो बी की वैल्यू क्या होगी आपकी एडेसई -E की तो आप सेकेंड रिलेशन लिख सकते हो बी इक्वल टू एडेसई अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो इसके लिए क्या करना चाहिए अपन को

इसको कुछ नहीं है, इनको सबको एलिमेट करना आपको A, B, A -DES, B -DES ए बी ए एडेस बी डेस को एलिमेट करके ई e में रिलेशन लेके आना सिंपल तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया ए एडेस स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस बी डे का स्क्वायर ठीक है एक काम करो इस बी डे सॉरी इधर भी ए एडेस का स्क्वायर आने वाला है

बी डेस को तो पुट कर सकते हो आप ए तो ये आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू हाँ और एडेस का मीनिंग बी अपोन ही तो ये आ गया बेटा बी स्क्वायर अपोन ई स्क्वायर इंटू वन माइनस के ई स्क्वायर तो एक काम करो फटाफट ई स्क्वायर को इधर ले और बी स्क्वार को उसके डिवाइड में तो ये कार्यक्रम करने से क्या जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ऑफ ई स्क्वायर तो देखो इससे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी वन माइनस ई स्क्वायर तो इसको जब वन माइनस ई स्क्वायर पुट किया तो क्या स्क्वायर आ गया ना ये आ गया वन माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर जब स्क्वायर रूट लोगे तो आ गया वन माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ई एक बार टेकिंग प्लस लोगे एक बार टेकिंग माइनस जब टेकिंग प्लस है टेकिंग माइनस में एक केस में तो क्या होगा ये ई में बनेगी क्वार्टिक दोनों केसेज में क्या ई में क्वारिक है तो वन केस में तो क्या होगा इसका डी नेगेटिव होगा तो वो तो हो गया फॉल्स क्योंकि डी नेगेटिव है तो होंगे इमेजरी और जिसमें डी पॉजिटिव है उसमें क्या करना है आपको क्वारिक फॉर्मूले से जब ई की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है एसेंटिसिटी तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आने वाला है थर्ड ऑप्शन ठीक है करना इसको हो जाएगा टेकिंग प्लस और टेकिंग माइनस तो टेकिंग प्लस पे आंसर आने वाला है टेकिंग माइनस पे आंसर नहीं आएगा वो करके देखना जिससे भी है और एसेंटिसिटी आपकी वन होनी चाहिए जिससे आंसर वन से लेस है वही आपका आंसर करेक्ट होगा ठीक है चलो तो इसके अकॉर्डिंग जितना मेरे को आइडिया आपका थर्ड ऑप्शन आना चाहिए ये करके देखना आप चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या बोला गया नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट विद फाइनेट स्लोप टू दी कर्व एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स की नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट फाइनेट करनी है जिसका स्लोप क्या हो फाइनेट हो तो देखो क्या करना है इसमें एक बार दोनों का रफरी डायग्राम करते हैं अपन

आप कॉमन टेंजेंट लेट करो कि लेट कॉमन टेंजेंट इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अब ये जो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर पैरा बोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स को टच करती है तो देन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी इक्वल टू आ गया ए वाई एम तो सी की वैल्यू फुट कर दो ए अपो ने तो सी को ए अपो ने मिला के सीधा कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई चलो बाद में कर देना वंस अगेन ये लाइन आपकी एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्ति टच करती है तो इसके लिए क्या करो इसके लिए कोई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो याद है नहीं अपन को तो अपने काम करते हैं ये लाइन अगर इस कर्व को भी टच करती है तो आप इसमें वाई की वैल्यू पुट करो देन इट बिकम दे इन एक्स ये क्या बनेगी एक्स में क्वार्टिक और अगर ये लाइन इसको टच करती है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब ये लाइन अगर इस कर्व को टच करती है तो देन आप इसका डी जीरो कर सकते हैं ठीक है ना तो क्या करें इससे y की वैल्यू वैल्यूट करू तो आ गया सी स्क्वायर एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस एम तो देखो m से मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई तो ये आ गया एम सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स इसको दर्शित करो तो देन दिस इज एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एम सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो क्या कर देते डी जीरो डी जीरो करोगे तो सिंपल सी बात ये है ना आपकी ये कॉमन टेंजेंट है तो एम की जितनी पॉसिबल होंगी उतने क्या होंगे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट एम की जितनी वैल्यू होंगी उतनी क्या होंगे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट तो डी जीरो करने पे क्या आएगा बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए आपका एम स्क्वायर हो गया और कांस्टेंट की वैल्यू माइनस एम सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो यस सर तो माइनस माइनस प्लस लेने पे आ गया फोर एम क्यूब सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर तो इससे आ गया एम क्यूब इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर सी स्क्वायर तो एम क्यूब तो नेगेटिव हो सकता ना तो देन एम क्या होगा इससे माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर सी स्क्वायर की पावर थी ठीक है तो ये वैल्यू कुछ भी हो एम की ओनली वन वैल्यू पॉसिबल होगी क्योंकि प्लस माइनस तो लगाते नहीं है ना ये क्यूबिक क्वेश्चन है तो इसका वन रूट होगा तो एम की ओनली वन वैल्यू पॉसिबल हो सकती है तो इस केस में आपको आंसर फिल करना है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट तो वन आंसर होगा इसका ठीक है तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग चले उसके बाद देखो क्वेश्चन सिक्स में क्या बोला गया आपको एक मैट्रिक्स ए अल्फा बीटा की फॉर्मेट में तो ए देना आपको अल्फा बीटा की टर्म्स में होगा ए इनवर्स अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ ए मतलब उसको फंक्शन ए की टर्म में आंसर लेके आना है. तो करते हैं ट्राई तो क्या करोगे देखो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा ए इनवर्स इक्वल टू एडजोइंट ए अपॉन मोड ए मोड ए का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की तो इसका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए वो क्या होगा देखो फटाफट फड़ से डिटरमिनेंट ऑफ ए इज सिंपल सी बात है ये जीरो है ना तो इसके अलावा ओपन कर दो तो ई e बीटा दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस तो ई e बीटा ये आ गया स्कोर अल्फा प्लस साइनसाइज वन तो मोडे आगे ए की पावर बीटा और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी ना मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका नॉन जीरो है हंड्रेड तो परसेंट इसका इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट अब बात करते हैं एडजोन की तो क्या आ गया इक्वल टू वन अपॉन ई बीटा और इनवर्स का सीधा फॉर्मूला सॉरी एडजोन का मतलब क्या होगा मैट्रिक्स ए के को फैक्टर से जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होगी उसका ट्रांसपोज एडजोन ए का मीनिंग क्या है मैट्रिक्स विच इज फॉर्मड को फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट एंड देयर ट्रांसपोज और उसका क्या लेना को फैक्टर से जो मैट्रिक्स फॉर्म करोगे उसका क्या लेना आफ्टर द्रांसपोर्ज देखो को फैक्टर के लिए क्या करते हैं जैसे आपको ए वन वन का को फैक्टर चाहिए इसको छोड़ो इसको छोड़ो ये से मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई तो क्या गया ए की पावर बीटा कोस अल्फा थोड़ा इसको बड़ा लेके ठीक है उसके बाद इसकी बात करते तो देखो क्या होगा इसके अलोंग अगर बात करो तो इसको हटाओ इसको हटाओ ये इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई तो क्या गया माइनस साइन अल्फा ई बीटा बट प्लस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आ गया तो की पावर बीटा साइन अल्फा ठीक है और एलिमेंट जीरो के लिए इन दोनों को हटाओ तो जीरो जीरो अगेन जीरो आ गया ठीक है आफ्टर दैट इस एलिमेंट के लिए इसको रिमूव करो उसको हटाओ की पावर बीटा अल्फा वट प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा तो माइनस e की पावर बीटा साइन अल्फा यस सर और इसके लिए तो इसको रिमूव करो ना इस एलिमेंट के लिए इन दोनों को हटाओ प्लस माइनस प्लस तो वंस अगेन e की पावर बीटा कौस अल्फा क्या होगा बोलो e की पावर बीटा कौस अल्फा जीरो के लिए बात करोगे तो जीरो के लिए इन दोनों को हटाओ तो जीरो जीरो ये जीरो आ गया ठीक है और फटाफट से देखो और जीरो के लिए जीरो 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 इस जीरो के लिए हटाओगे तो वन सागेन जीरो आ गया और इसके लिए बात करोगे तो दिस इज वन ये आ गया ना इतना आने के बाद क्या करना है इसका ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज लेने से पहले एक काम कर सकते हो क्योंकि ये भी तो मैट्रिक्स है ना देखो आप कंप्लीट पार्ट में से ये आप उनको पता है कि मैट्रिक्स में से कुछ भी कॉमन लोगे तो ईच रो और ईच कॉलम से कॉमन लेते हैं तो आप कंप्लीट पार्ट में से की पावर बीटा कॉमन लोगे तो क्या आएगा देखो जब की पावर बीटा कॉमन लोगे तो इन दोनों से कॉमन आ गया तो जीरो नो प्रॉब्लम इन दोनों से कॉमन आ गया जीरो नो प्रॉब्लम इधर वन है तो, तो वन ए की पावर बीटा की पावर माइनस बीटा बन जाएगा तो मैं एक काम करता हूं की पावर बीटा कॉमन लो और ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में तो क्या गया ये वाला पार्ट तो इधर आ जाएगा यू ये तो आर वन को लिखो सी वन साइन अल्फा जीरो लिखोगे तो यू माइनस अल्फा कोस अल्फा जीरो और जीरो जीरो पावर माइनस के बीटा ये आ गया इसका और इसको अगर आप अल्फा बीटा से कंपेयर कर दे तो केयरफुली देखो देखो इधर माइनस है इधर प्लस है और ये प्लस में उसमें माइनस में तो उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या देखो आप इस मैट्रिक्स ए अल्फा बीटा में ए को रिप्लेस करो माइनस अल्फा से बी को रिप्लेस करो माइनस बीटा से तो देखो यही मैट्रिक्स आने वाली थी तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा इसको लिख सकते हैं तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका इसने बोला ना ए इनवर्स अल्फा कोमा बीटा इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ए तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है चले नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्वेश्चन में क्या ये सिंपल क्वेश्चन है ये अपन ऑलरेडी इसको पढ़ते रहते हैं ठीक है ना ये पॉपुलर क्वेश्चन है

आप याद भी कर लेना बाद में चाहो तो जैसे कोई भी मैट्रिक्स है आपकी वन क्रॉस वन की इसका मतलब उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा ना तो आप इसमें अगर वन लोगे तो इसकी वैल्यू वन होगी ये मैक्सिम वैल्यू होगी वन और अगर माइनस वन लोगे तो वैल्यू क्या होगी माइनस के वन मैं दोनों चीज बता रहा हूं आपको मतलब वन क्रॉस वन की जो मैट डिटर्मिनेट है उसकी मैक्सिम वैल्यू वन हो सकती है तो क्योंकि एलिमेंट को फिर करना वन और माइनस वन से अब लेते हैं टू क्रॉस टू की तो ए अगर आपका टू क्रोस टू का लाइट करोगे तो टू क्रॉस टू में क्या करो देखो वन वन मैक्सिम की बात चल रही है पहले फिर मिनिमम की बात कर देंगे तो देखो अगर ये लैड करते हैं तो क्या आएगा देखो वन और वन तो वन आ गया माइनस ये भी प्लस गया तो एक काम करो उसको दोबारा प्लस कर दो तो ये भी प्लस बन गया ना तो इसकी मैक्सिम वैल्यू टू आ सकती है मिनिमम लाने के लिए उल्टा कर दो ना को तो कर दो माइनस इसको प्लस कर दो तो मिनी वैल्यू क्या सकती है माइनस की टू आ सकती है ऐसे ही अगर आप थ्री क्रोस थ्री की मैट्रिक्स सेलेक्ट करोगे तो थ्री क्रोस थ्री में दो ऑप्शन है चाहो तो पहले नॉर्मल मैट्रिक्स सेलेक्ट कर दो ए ए वन ए वन टू ए वन थ्री और उसके बाद आप उसमें देख सकते हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे ला सकते हैं ठीक है ना या फिर इसमें एलिमेंट को फिल करके भी देख सकते हो कि वन और माइनस वन से फिल करने पे इसकी मैक्सिमम और मिनी वैल्यू क्या आ सकती है तो करना आप अपने अकॉर्डिंग मैं सीधा समझा देता हूं आपको जब मैट्रिक्स का ऑर्डर बने तो आंसर आया था वन वन का मीनिंग है टू की पावर वन माइनस वन अभी समझ जाओगे आप ये लेट ए वन मान लिया मैंने ए टू में आंसर आ रहा आपका two. Two है आपका टू टू का मीनिंग है टू की पावर टू माइनस वन इसका मतलब देखो ये टू दोनों में फिक्स है ये वन बी फिक्स है वेरी कौन कर रहा है वन पे वन है टू पे टू है जब आप ए थ्री की बात करोगे ना तो ये आने वाला आंसर टू की पावर थ्री माइनस मतलब ये फोर आंसर आएगा मैक्सिमम मिनिमम में माइनस फोर आंसर आने वाला है और यदि मैट्रिक्स का ऑर्डर एन है मतलब मैट्रिक्स आपकी एन क्रॉस एन की है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी टू की पावर ये फॉर्मूला है इसको याद कर सकते हैं बहुत यूजफुल कि एन क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट को वन और माइनस वन से फिल करना है तो देन उस केस में इसकी मैक्सिम वैल्यू तो क्या होगी मैक्सिम वैल्यू होगी टू की पावर एन माइनस वन और मिनिमम में माइनस लगा देना आप तो अभी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा माइनस के फोर तो ये याद रख सकते हो आप ठीक है चले अब नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है तो देखे पैराग्राफ में क्या करना अपन को ये डिफाइन है इसमें कि स्टेप x n को लिख सकते हो स्टेप x n अब कब जब n आपका इंटीजर है ये अपन को पता बेसिक प्रॉपर्टी है सिमिलरली -x के फ्रैक्शनल को लिख सकते हैं 1 के फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इफ x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर ठीक है इनकी हेल्प लेनी है क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ेगी तो तो देखो क्वेश्चन में क्या-क्या पूछा गया वो देखते हैं प्रमन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन में आपको p q और आर में रिलेशन गिवन है और एक आपको एस गिवन है ठीक है फिर अपन को फाइंड आउट करके करना उसकी बात करते हैं फाइंड आउट की अगर आप बात करोगे तो वैल्यू ऑफ आर एज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आर की वैल्यू को करना फाइंड आउट ठीक है और आर के बाद इसका अगला पार्ट क्या वो भी देख लेते हैं वैल्यू ऑफ एस फिर आपको एस की वैल्यू को करना है कैलकुलेट आर और एस की वैल्यू को करना कैलकुलेट तो चलो करते हैं स्टार्ट तो देखो ये देखें आप रिलेशंस जो कि मैंने आपको इनको पकड़ो पहले इन रिलेशंस में अगर आप बात करोगे बेटा गिवन है पी इक्वल टू थ्री स्टेप क्यू प्लस फाइव सबसे पहले आर लाना है मेरे को आर की वैल्यू ये होगी इससे तो देखो सबसे पहले क्या करें देखो सिंपल सी बात सुनो स्टेप क्यू मेरा इंटीजर होगा ना इंटीजर प्लस फाइव इंटीजर तो पी आपका इंटीजर है पी इंटीजर है आपका टू भी आपका इंटीजर है तो स्टेप के अंदर इंटीजर को बाले सकते तो कितना जाएगा क्यू का स्टेप प्लस पी प्लस टू सीधा इसको बाहर ले लिया मैंने क्योंकि p एन टू बहुत इंटीरियर इंटीरियर को स्टेप से सीधा बाहर ले सकते हैं ठीक है अब स्टेप q और p की वैल्यू आपको पुट करनी थी देखो स्टेप q की वैल्यू प्लीज को लो आप इसमें माइनस सिक्स इंटीरियर जिसको भी बाहर ले सकते हो आप तो p कितना आ गया फोर स्टेप q माइनस सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई तो माइनस क्यू ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी सेवन इज प्लस के थ्री आ गया इन दोनों से जैसे ही आप P की वैल्यू को इक्वल करोगे तो बेटा इससे आ गया स्टेप Q इक्वल टू टू स्टेप Q की वैल्यू मिली आपको टू ठीक है स्टेप Q टू आ गया तो स्टेप Q को जब टू पुट करोगे तो देन P कितना होगा सिक्स और फाइव इलेवन P इलेवन है स्टेप Q आपका टू है तो सबकी वैल्यू पुट करो तो कितना आ गया देखो स्टेप Q तो टू लोगे P आपका 11 है तो कितना आ गया 15, मतलब इसमें R की वैल्यू तो मिली आपको 15, क्या आ गया R 15 आ गया तो ऑप्शन में है भी आपका देख लेना ठीक है R 15 आने के बाद अब अपन बात करते हैं S की तो इसमें R की वैल्यू को यूज लेना है तो R की वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना मस्त था ठीक है तो R कितना आ गया बोलो 15 ठीक है इसको हटा देते हैं इसके लिए क्या करना देखें आर को आप इसमें फिफ्टीन पुट करोगे तो क्या आ गया देखो फिफ्टीन अपॉन सिक्सटी वन बाई फोर का स्टेप प्लस ये भी आ गया वन बाई फोर प्लस वन बाई हंड्रेड का स्टेप ठीक है प्लस वन बाई फोर प्लस टू बाई हंड्रेड का स्टेप plus उसके बाद थोड़ा केयरफुली देखो अपन को पता है कि स्टेप के अंदर अगर वैल्यू वन से तो उसका स्टेप जीरो वन बाई फोर, तो फोर प्लस थ्री बाई फोर आपका वन होगा ना तो ये थ्री बाई फोर कब आ सकता है जब पिछहत्तर बटे हंड्रेड हो गए तो आप इधर केयरफुली देखो इसके मिडिल में एक टर्म आ रही होगी देखो नाइनटी नाइन सेवन फाइव भी होगा ना तो सेवेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड इस केस में देखो ये वैल्यू आपकी वन होगी तो इसका स्टेप क्या होगा वन उससे पहले जो स्टेप होगा उसकी वैल्यू वन से लेस होगी तो उन सब का स्टेप तो बन गया जीरो इन सबकी वैल्यू क्या है वन से लेस है तो इन सब का स्टेप तो बन गया जीरो हटाओ उसके बाद अगला जो टम है वो भी आपका वन होगा ना क्योंकि वो वन से थोड़ा ग्रेटर होगा तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी वन सेवेंटी सिक्स अपॉन हंड्रेड की ऐसे ही प्रोग्रामिंग चलती रहेगी और इसमें जब वन बाई फोर रखोगे आप तो ये भी कितना जाएगा वन प्लस नाइनटी नाइन बाई हंड्रेड तो ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी अपॉन में तो आ गया फोर हंड्रेड और यह आ गया यह चार सौ से थोड़ा बड़ा होगा नौ के छत्तीस तीन छत्तीस और तीन उनतालीस

टाइम्स एड करोगे तो उसका क्या होगा ट्वेंटी फिफ्थ तो एस की वैल्यू तो फिल करनी है ट्वेंटी फिफ्थ और आर की वैल्यू लेनी है 15. तो चलो देखते हैं अपन को. तो आर तो आगे फिफ्टीन तो सेकेंड ऑप्शन होगा और वैल्यू ऑफ एस ट्वेंटी फाइव तो उसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है चले उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पैसेज है हाँ, सेकेंड पैसेज है इसमें टू क्वेश्चन है नाइन इन टेन क्वेश्चन में क्या बोला गया पढ़ो इफ एस इक्वल टू जीरो पैरावोला और एलिप्स देन मतलबोला और इलिप्स है टी इक्वल टू एस वन मतलब अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या लगते अपन टी इक्वल टू एस वन ये अपन को वैसे ही पता है और ये पता ही भी है कि जो पॉइंट है वो लाइज ऑन दी कर्व जो आप t इक्वल टू एस वन को यूज करते हैं वो कब यूज कर सकते हैं जब पॉइंट है जो मिड पॉइंट है वो लाइज ऑन दी पॉइंट जो एक्स वन कॉमन वो लाइज ऑन दी कर्व इन साइड कर्व तो कोई भी पैराबोला और एलिप्स के केस में अगर पॉइंट लाइज इन दी कर्व लाइज इन साइड द कर तो कंडीशन क्या होगी एस वन लेस देन जीरो का मीनिंग उस कर्व में पॉइंट पुट करोगे तो वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए

ऑफ़ और जो ऑल थ्री करता है उनको क्या करता? करता, मतलब आपको तो अपन एक काम करें एलिप्स और पेरावोला को एक बार देख लेते हैं उसका यूज करना है एलिप्स तो है अपना याद रख लो माइंड में एक्स स्क्वायर अपॉइन सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू वन तो देखो क्या कैसे करोगे क्वेश्चन को एक बार इनके रफ़ली डायग्राम को ड्रॉ करते हैं अपन ये आपका पैरा बोला है ये पॉइंट होगा फोर कॉमा जीरो ठीक है उसके बाद जो पॉइंट है ए कॉमा जीरो ना अब आपको इससे क्या करना है तीन डिस्टेंट कोड अब बाद में क्या बोला गया कि जो पैरा वोलाइसोर इक्वल टू फोर एक्स डाय से होगा तो ये जो वाइसोर इक्वल टू फोर एक्स पैरा वोला है ये क्या करेगा बोलो जैसे लेट ये आपकी कोड है सॉरी यहां तक ये इस कोड इस कोड को नेम लेट करो आप ए बी ये कोड ए बी आपकी इस कोड ए बी को यह बोला इक्वल पार्ट में कट करता है ये डिवाइड करता है तो देन आप बोल सकते हो ना कि ये इसका मिड पॉइंट है ऐसी सेकेंड कोड को भी क्या करता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और थर्ड कोड कोड को भी वो क्या करता है इक्वल पार्ट में डिवाइड तो आपको ए की वैल्यू को करना है कैलकुलेट तो देखो उसके लिए क्या प्रोसीजर है सिंपल क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग अपने एक काम करते हैं जैसे ली कोड ए बी ए तो इस कोड का एम का मिड पॉइंट क्या एम है तो ये कोड ए बी तो अपन सबसे पहले लिखते कोड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट एम है अगर मिड पॉइंट एम है तो एक काम करो ये पॉइंट एम लाइज ऑन दी वाइस इक्वल टू फोर एक्स तो y equal to x पे एक लेट 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 करो, x को करते हैं में, है, तो तो कितना जाएगा t? ये आपने point m किया, और आप पॉइंट एम लेट कर सकते हो अब सुनो अगर ये पॉइंट एम इस कोड का मिड पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ कोड इज इक्वेशन ऑफ कॉड इज टी इक्वल टू एस वन टी का मीनिंग एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस समथिंग इक्वल टू पॉइंट पुट कर दो उसमें तो ये एवी किसके लिए कोड है ये इलिप्स के लिए कोड है तो इलिप्स के लिए यूज करोगे तो क्या आएगा एक्स एक्स वन तो एक्स टी स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन प्लस वाई वाई वन अपॉन फोर इक्वल टू क्योंकि माइनस वन तो दोनों तरफ कैंसिल आउट इधर आ जाएगा टी की पावर फोर अपॉन सिक्सटीन प्लस फोर टी सिंपलीफाई करें आप तो देखो इसको एक काम करो कंप्लीटली सिक्सटीन से मल्टीप्लाई कर दो सब तरफ तो जब इसको सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा ये आ गया टी स्क्वायर एक्स प्लस एट टी equal टू टी की पावर फोर प्लस सिक्सटीन ऑफ ये आपकी कॉर्ड की इक्वेशन इसका मिड पॉइंट क्या था एम ये कॉर्ड की इक्वेशन आने के बाद सुनो दिस कॉड ab इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट ऑफ ए कॉमा जीरो आपको ए की वैल्यू चाहिए ना ये कॉर्ड अगर ए कॉमा जीरो से पास होती है तो क्या कर सकते हैं इसमें ए कॉमा जीरो कर सकते हैं दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एक ऑमा जीरो तो इसमें जब x को a पुट करोगे और y को जीरो पुट करोगे तो क्या होगा देखो x को a लेने पे क्या जाएगा ए टी स्क्वार जीरो आ गया समझे मेरी बात को तो इसको लिखते हैं इधर ही लिख देते हैं इस पॉइंट को जब आपने पुट किया तो क्या आ गया ए टी स्क्वायर इक्वल टू टी की पावर फोर प्लस टी स्क्वायर तो देखो इसमें टी स्क्वायर तो कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि t को जीरो लेने पे सिंपल सी बात है एक कोड तो आपकी यही होगी तीन कोड ड्रा करोगे तो एक कोड दिस होगी सेकंड कोड आपकी दिस होगी थर्ड कोड आपकी दिस होगी क्योंकि ये देखो ना ये पॉइंट इन इस कोड को क्या करता बाइसेक्ट तो एक तो टी जीरो आ गया इसमें तो आपको t की थ्री वैल्यू चाहिए ना मेरी बात सुनो m आ गया t2, 2t तो अगर आप 3 डिस्टिंक्ट कोड ड्रा कर सकते हो इस पॉइंट एक जीरो से अगर आपने थ्री डिस्टेंट कोड को ड्रॉ किया तो देन एम के थ्री वैल्यू ना मस्त है तो एक वैल्यू तो मिल चुकी आपको, T0, एक M की दिस हो सकती है आपको तो टी जीरो तो कैंसिल करने पे क्या रहेगा रिमेनिंग रहे पार्ट इज टी स्क्वार इधर वन उधर सॉरी सिक्सटीन था ना तो टी स्क्वायर ये सिक्सटीन लिखो इसको इक्वल टू आ गया ए माइनस के इससे आगे टी इक्वल टू ए माइनस सिक्सटीन इतना आने के बाद देखो क्या करें अपन टी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी तो टी अगर आपका पॉजिटिव है एक बार दोबारा देखना एक्स्ट कैलकुलेशन में डाउट लग रहा है मेरे को सोलह लोगे तो चार दूनी आठ टी वाई सोलह या आ गया फोर्टी स्क्वायर अपॉन फोर ठीक है चलो चलो देखते हैं तो देखो सिंपल सी बात सुनो पहले टी स्क्वार आपका पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा ना तो इससे आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्योंकि को T को जीरो तो ले नहीं सकते ना इतना करने के बाद स्टूडेंट इतने ही करते हैं क्वेश्चन कि सर A 16 से गेटर आना चाहिए बट अगली कंडीशन क्या देखो ये जो पॉइंट ए को मीरो पॉइंट ए आपका Ellipse के आउटसाइड है तो जब ए आपका 16 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा उसके आउटसाइड होगा इसमें ठीक है तो इसको लिखो फिर उसके बाद एक कंडीशन और है बताओ कंडीशन क्या हो सकती है इस पर काम करेंगे उसके बाद देखो अब क्या करना अपन को तो आपने क्या किया पहले t इक्वल टू एस लिखा t इक्वल टू एस आपकी कॉड ए बी की क्वेश्चन है और ए बी पासिंग थ्रू दी ए कोमा जीरो जैसे ही ए कोमा जीरो को पास किया तो देन ये रिलेशन आ गया

क्योंकि तो पॉइंट अगर एम के आउट पॉइंट एम अगर इलिप्स के आउटर हुआ तो देन ये कॉड को बाइक से कर ही नहीं सकता मतलब पॉइंट एम लाइज इन द इलिप्स पॉइंट एम आपका एलिप्स के अंदर लाई करता है तो चलो इस कंडीशन की हेल्प और लेते हैं तो इसको हटा देते हैं तो क्या पॉइंट एम लाइज इन एलिप्स तो क्या करोगे पॉइंट पुट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए नेगेटिव लेस देन जीरो तो पॉइंट पुट करो पु� तो कितना आ गया टी की पावर फोर अपॉन सिक्सटीन प्लस टी स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन जीरो तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा टी की पावर फोर प्लस टी माइनस के सिक्सटीन लेस देन जीरो भी आप क्या करोगे टी स्क्वायर की वैल्यू करो फाइंड आउट और वंस अगेन उसको ए माइनस सिक्सटीन की इक्वल करोगे तो ए की वैल्यू और पता चलेगी मतलब ए का एक इंटरवल और होगा उससे दोनों का क्या लेना कॉमन पार्ट तो देखो सीधा टीमी क्वार्टिक है ना तो क्वार्टिक फॉर्मूले से देखो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी फैक्टर तो कर नहीं सकते माइनस सिक्सटीन प्लस माइनस रूट ऑफ बीस स्क्वाइनस फोर ए तो सोलह का स्क्वायर तो आ गया दो सौ छप्पन माइनस प्लस तो फोर ए सी तो चौसठ आ गया तो सोल्व करने पे क्या हुआ छह चौड़ दस एक तीन सौ बीस आ गया तीन सौ बीस का मतलब लिखोगे सोलह गुणा बीस सोलह का मीनिंग तो आ गया चार बीस को दोबारा या सीधा कर सकते हैं इसको लिखोगे फोर इंटू फाइव तो टू रूट फाइव आ गया लो। इसका रूट आ गया सीधा आ गया? एट रूट फाइव कितना आ गया बोलो एट रूट फाइव अपॉन में टू लोगे ना तो देन इससे टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस एट प्लस माइनस फोर रूट फाइव तो सिंपल सी बात यह है स्क्वार तो हो नहीं सकता तो केवल क्या होगा टी स्क्वार माइनस एट प्लस फोर रूट फाइव यस सर ये टी अपन को मिड पॉइंट लेना है बीच वाला पार्ट लेना है आपको ठीक है अरे यार इसके रूट अगर अल्फा बीटा मानो क्या टी माइनस अल्फा इन टू टी माइनस बीटा लेस देन जीरो तो टी अल्फा से बीटा तो क्या लगोगे टी दिस से दिस तो इधर वाला पार्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव गिर्देन पॉजिटिव तो ऑलवेज ट्रू होगा ना तो उसको मैंने वैसे हटा दिया और अब टी की वैल्यू लिखोगे ए 16 इज लेस देन तो इसको दले जाओगे तो क्या आ गया ए लेस देन 8 4 √ 5 ठीक है तो √5 की वैल्यू होती है 2.2 तो ये 8. समथिंग तो ये 16 से बड़ा आएगा आपका तो ए आपका क्या होगा 16 से ग्रेटर और दिस पार्ट से लेस तो आप फर्स्ट और सेकंड का जब कॉमन लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है अभी देखते हैं ठीक है ये तो करना था इसे उसके बाद इसके अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो दोनों की कॉमन कॉड है उसकी लेंथ बताओ फाइंड दी लेंथ ऑफ दी कॉमन कॉड ऑफ दी देंट दैरा तो देखो उसके लिए क्या करेंगे तो चलो एक बार इसका आंसर देख लें तो इसका आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन ठीक है ना ए सिक्सटीन से एट प्लस फोर रूट फाइव और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? देखो लेंथ ऑफ दी कॉमन कोड दी इलिप्स एंड पैराबोला इलिप्स और पैराबोला के कॉमन कोड की लेंथ करनी फाइंड आउट तो इसके लिए देखो अपन इधर ही लिख लेते हैं उसमें इलिप्स तो क्या था एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू वन और पैराबोला था वाई स्क्वायर ठीक है फोर तो देखो कॉमन कोड कैसी होगी इसकी ये अपना एलिप्स है ये दोनों के डायग्राम सिमेट्रिक है ना तो ये इसकी कॉमन कॉर्ड है तो आपको कॉमन कॉर्ड की लेंथ बतानी है इसकी और इसकी लेंथ के लिए क्या करोगे ए बी की लेंथ चाहिए ना इसकी तो सिंपल सी बात है ये एवी क्या है पैरल टू एक्स एक्सिस तो दोनों का निकाल दो वाई कोऑर्डिनेट लेट ये वाई बने ये लेट वाई टू है तो उनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा लेंथ ऑफ ए बी तो वाई की वैल्यू के लिए काम करो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करें आप तो स्क्वायर की वैल्यू लेने पे क्या गया? X आ गया ना तो तो से मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्सटीन एक्स माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो अभी जो किया था उसी का फॉर्मेट है ना सीधे से एक्स क्या होगा माइनस के सिक्सटीन प्लस माइनस चौसठ और सोलह गुणास सोलह दो सौ छप्पन तो भी तीन सौ बीस होगा ना और तीन सौ बीस का मीनिंग क्या था सोलह रूट पांच ये एक्स आ गया तो सिंपल सी बात है वाई इसको एक्स एक्स मेरा पॉजिटिव होगा ना तो एक्स पॉजिटिव के लिए टेकिंग प्लस तो टेकिंग प्लस लेने पे आ गया सिक्सटीन कॉमन लोगे तो दिस इज रूट फाइव माइनस वन ठीक है सॉरी अपॉनमी टू वो लगाना है तो अपॉन में टू लोगे तो एट आ गया है ये थोड़ा गलती किए मैंने क्या था वो एक मिनट रुकना सोलह का स्क्वायर दो सौ छप्पन प्लस चौंसठ लिखोगे तो हाँ तीन सौ बीस तीन सौ बीस को लिख सकते हैं बत्तीस गुणा दस या चौंसठ गुणा पाँच चौंसठ का मतलब 8 टूट पांच ये एट होगा सॉरी क्या होगा एट और अगर ये एट है तो मैं केवल इसमें से क्या को ले सकता हूँ एक मिनट रुको ये आ गया x इक्वल टू माइनस के 16 प्लस माइनस एट रूट फाइव टू तो देन इससे x की वैल्यू क्या होगी और टेकिंग प्लस ना क्योंकि x आपका पॉजिटिव है तो टेकिंग प्लस पे x क्या होगा फोर रूड फाइव माइनस सिक्सटीन तो फोर कॉमन और टू से डिवाइड करने पे आ जाएगा फोर फोर रूट फाइव माइनस के ठीक है ये x आ गया तो देन आप क्या करोगे एक्स आ गया तो वाई क्या होगा इससे सीधा लिख सकते हैं ना वाई की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस की टू रूट एक्स एक बार तो वाई वन लोग तो 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 माइनस के टू रूट एक्स टू यस सर तो ये तो है टू रूट एक्स वन ये माइनस के टू रूट टू एक्स दोनों का डिफरेंस क्या होगा एड कर वाई टू माइनस वाई वन या वाई वन माइनस वाई टू तो ये लेंथ ऑफ कॉमन कोड क्या होगी वाई वन माइनस वाई टूक्ल टू दिस कॉमन लोग तो आ गया रूट एक्स वन प्लस कुछ नहीं करना अपन को इस एक्स की वैल्यू को दो बार ऐड करना है क्योंकि एक्स तो, तो दोनों में सेम है ना तो एक्स की वैल्यू को ऐड करोगे आप तो आठ सोलह रूट फाइव माइनस टू इसका आंसर क्या होगा अरे सही है ना सिक्सटीन रूट फाइव माइनस टू इसका आंसर होगा तो इसके अकॉर्डिंग आपने सिंपल इसको बात करोगे तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी मैंने जब ऐड किया तो सीधी सीधी बात ये है ना रूट एक्स में लेना है तो रूट में लिखोगे हाँ एक्स वन को रूट में लेने पे टू बार आएगा इसमें ये अपन को इसका रूट और लेना है तो रूट एक्स क्या होगा इसमें टू रूट एक सॉरी तो एक्स, तो एक्स वन होगा यही एक्स टू होगा ठीक है ना क्योंकि दोनों में एक्स तो सेम है ना इन दोनों में क्या है? एक्स तो आपका सेम है तो उसको सीधा एक्स मान सकते हो दोबारा तो कितना आगे फोर हो जाएगा आपका ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो नोट करो तो ये बात हुई सेक्शन ए की अब अपन इसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी की तो देखो सेक्शन बी में क्या बोला गया दिस सेक्शन कंटेन सेवन क्वेश्चन ईच क्वेश्चन फोर ऑप्शन करेक्ट आंसर वन और मोर देन ठीक है तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है इसमें टोटल सेवन क्वेश्चन है तो चलो करते हैं वन वाई वन स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू आपको एक्स इ की पावर एक्स प्लस एक्स इकी पावर एक्स प्लस दिस पार्ट ये इन्फिटी सीरीज है तो देखो सिंपल सी बात देखो ये एक्स इ की पावर एक्स है आपका उसके बाद वंस अगेन एक सॉरी तो देखो ये एक्स इ की पावर एक्स अगेन एक्स इ की पावर एक्स तो एक काम करो ना ये यह यहां से रिपीट है इसको दोबारा वाई लेट कर सकते हैं तो इसको वंस अगेन अगर करो तो क्वेश्चन क्या आ गया वाई इक्वल टू एक्स पावर एक्स प्लस वाई अब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो टेकिंग बोथ साइड लोग इसका दोनों तरफ ले लेते हैं लोग तो टेकिंग लॉग लोग तो क्या गया लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस, प्लस वाई क्यों तो कि ये ए भी है ना तो लॉग ए प्लस लॉग भी करोगे तो लॉग एक्स प्लस लॉग ई e की पावर तो पावर आगे और लॉग ई e वन होगा ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग एक तो आ गया फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि लॉग एक्स एक्सर लाओगे तो सिंपल तो, और डी डीवाई डी एक्स के लिए क्या करोगे कर दो तो उसका डिफ्रेंसिएशन पहले तो करोगे लॉग वाई का तो वन अपॉन वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू वन वाई एक्स प्लस वन बाई वाई, 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 वाई वा� दोबारा सुनो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स एक्स का वन और करना ये लोग और डी डी एक्स सॉरी इसमें तो सीधा डी वाई डी एक्स हो ना वाई का तो जाएगा ठीक है लॉग वाई का वन अपॉन वाई डी वाई डी एक्स लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स एक्स का वन और वाई का डीवाई डीएक्स तो डी वाई डी एक्स जब कॉमन लोगे तो कितना जाएगा वन वाई वाई Upon y minus one, तो तो y y, और इधर आ गया इन दोनों में लो तो से multiply, minus y से डिवाइड करोगे तो देन आपका आंसर क्या होगा एक्स प्लस वन इंटू वाई अपॉन एक्स ऑफ वन माइनस वाई तो इसका थर्ड और फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा क्या होगा बोलो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सिंपल क्वेश्चन है ठीक है चलो उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है ये भी सिंपल क्वेश्चन है इसको थोड़ा विजुलाइज करना ओनली एफ एक फंक्शन गिवन है देन दी वैल्यू ऑफ ट्रिपल डैश वन ट्रिपल डैश वन डबल डैश टू और एफ डैश थ्री कैन नॉट बी इसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती तो देखो आपने अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो बहुत टाइम वेस्ट होगा इसको केयरफुली देखो ये जो एफ है आपका इसमें एक्स माइनस वन की पावर फोर है क्या बोलो एक्स माइनस वन की पावर फोर तो केयरफुली देखो आप इसको थोड़ी देर के लिए जी लेट कर देते समझोगे आप इसको अगर आपने जी एक्स लेट किया तो क्वेश्चन क्या आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन की पावर फोर इन टू जी एक्स तो देखो इसमें ये सॉरी इसमें x को वन लेने पर एफ ओ आपका जीरो आ रहा है ना इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो देखो एवडेस एक्स क्या आने वाला है पहले इसका किया तो फोर टाइम्स ऑफ तो जब आप इसमें वन लोगे तो एवडेस वन भी आपका जीरो आ गया ठीक है सिंपल सी बात ये है एक्स माइनस वन की पावर फोर है तो इसका जब तीन बार डिफ्रेंस करेंगे तो इसका करते रहो कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट ट्रू सेकंड से देखो आपको समझो ना इसका किया तो एक्स माइन का क्यूब आ गया इधर करोगे तो ये वाला पार्ट एजेज इसका मतलब वन लेने पे ये भी जीरो ये भी जीरो जब आप वंस अगेन करोगे दोबारा तो चाहो तो पहले कॉमन ले सकते हो तो अगेन डेस वन भी जीरो होगा और ट्रिपल डेस वन भी आपका जीरो आने वाला है ठीक है मतलब इसके रिपीटेड रूट होंगे एफ एक्स इक्वल टू दिस पार्ट के ये जो एफ एक्स है इसमें वन इसका क्या रिपीटेड रूट है रिपीटे रूटर वो तीन बार रिपीट होगा आपका ट्रिपल डे वन आपका जीरो आएगा ठीक है ऐसे आप अगले की बात करोगे तो देखो इस पे पावर टू है का क्यूब है तो एक्स माइनस टू का क्यूब है तो डबल डैश टू आप डबल डैश टू तक आपका जीरो आने वाला है क्योंकि इसका टू तीन बार रिपीटेड रूट है अगर कोई भी रूट रिपीटेड है जैसे एक्स इक्वल टू अल्फा एफ एक्स का

तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपको इसका फिल करना ठीक है तो सोचने वाला क्वेश्चन है वैसे कुछ था ही नहीं इसमें उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें लेट एक करो इक्वल टू एफ एक्स वी डिफाइंड पैरामेट्रिकली वाई इक्वल टू दिस पार्ट एंड एक्स इक्वल टू दिस पार्ट टी मेरा पॉजिटिव है एक सेकेंड जीएक्स इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स देन आपको वाई और एक्स टी की टर्म में है और जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन है तो बताओ डबल डैश थ्री और जी डबल डैश थ्री की वैल्यू क्या हो सकती है तो चलो करते हैं बनाए टू क्वेश्चन तो मुद्दे की बात देखो सब में एक्स थ्री है आपका तो सबसे पहले तो लिखते हैं जी एक्स इक्वल टू गिवन है आपको एफ इनवर्स एक्स मतलब इससे आ गया एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स आपको क्या बताना है डबल डे जी डबल डे थी बताना और एफ डबल डेस तो पहले तो एफ डेस एक्स की बात करते हैं फिर डबल डेस एक्स की तो सबसे पहले एक काम करो इसमें अपन को पता है एफ एक्स लो है जी एक्स एक्स आपका थ्री है तो एक्स थ्री कब आ सकता है जब देखो

क्योंकि तो एक्स को थ्री लेने वाई भी आपका थ्री होगा गिवन है, न, y Fx. ये y Fx है ये में रिलेशन है।, है, है।, तो तो है उसी को बोला गया वाई इक्वल टू एफ एक्स ठीक है तो एफ ऑफ थ्री थ्री आ गया तो जब इसका इनवर्स लोगे तो बताओ एफ इनवर्स थ्री भी आपका थ्री होगा ना तो उसकी जरूरत आने वाली है अब अपन काम करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं एवडेस एक्स का मतलब क्या होगा डी वाई डीएक्स तो डीवाई डीएक्स के लिए क्या करोगे सीधा लिख देते हैं एवडेस एक्स इक्वल टू डी डी एक्स और डी वाई डी एक्स को ले सकते हो डीवाई अपॉन डीएक्स सॉरी डीवाई अपॉन डी टी अपन डीएक्स अपॉन डी टी यस सर तो देखो इसका एवडेस एक्स क्या होगा सीधा क्या करो वाई का टीके रेक्सपेक्ट में डिफ्रेंशिएशन और एक्स का भी टी के रेक्सपेक्ट में डिफ्रेंशिएशन तो इसका तो आ गया थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी अपन दिस इज टू ऑफ टी ए टी तो कैंसिल आउट हो गया तो देन दिस पार्ट इज सीधा इसको टू वन बाई टू तो कॉमन ले लो आप और सीधा डिवाइड कर दो तो कितना आ गया थ्री टी प्लस के आ गया एफड वंस अगेन इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो तो एफ डबल डे एक्स क्या होगा देखो टू का जीरो और टी का करोगे तो डी टी वाई डी एक्स थ्री वाई टू डी टी वाई डी एक्स और डी टी वाई डीएक्स में क्या पुट करना है एक्स को थ्री क्योंकि आपको एक्स इक्वल टू थ्री पे एफ डबल डे एक्स फाइंड आउट करना है तो चलो एक काम करो यह एक्स है ना तो इसका डी टी कितना था टू ऑफ टी तो टी को वन लोगे तो डी टी वाई 2 क्या टी वाई डी वन वाई टू. कब जब है कब था जब टी मेरा वन था तो देन डी टी वाई डीएक्स को वन बाई टू तो कितना आंसर थ्री अपॉन फोर डबल डैश डबल डैश थ्री तो आ गया थ्री अपॉन फोर तो एक तो इसका आंसर आ जाएगा एक तो ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन अब बात करते हैं जी डबल डे की तो जी डबल डे थी के लिए क्या करो अपन इसका करते हैं तो उसको हटा देते हैं एक बार इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जब भी तो मिलेगा ना जी डबल डे लाना है तो दो बार करना पड़ेगा इसका तो एक बार तो आ गया एफ का करोगे तो एफ डेस जी एक्स इन टू यस सर तो इससे बेटा जी डेस एक्स आ गया कितना वन अपोन एफ डेस जी एक्स जी डबल डेस एक्स के लिए इसका वन टाइम और कर देते डिफ्रेंशिएशन एक बार जब और करोगे डिफ्रेंशिएशन तो उसको किधर करें सीधा ये लिख देते ना कैसे करोगे देखो पहले तो वन अपॉन का करोगे तो क्या आएगा वन अपॉन, इसको एक्स सेलेक्ट करो तो वन बाई एक्स का माइनस के वन बाई एक्स स्क्वायर तो क्या गया माइनस के वन अपॉन एफ जी एक्स का होल स्क्वायर फिर एफ का करोगे एफ डेस का एफ डबल डे जी एक्स और फिर जी का करोगे तो आ जाएगा जी डे और इसको केयरफुली देखो एक काम करो इसमें जी डेस एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो जी डेस एक्स की वैल्यू तो है वन अपॉन एवडेज जी एक्स तो कितना आ जाएगा वन अप ऑन एवडेस जी एक्स का क्यूब इन दिस पार्ट तो फाइनली अपन इसको इधर लिख देते हैं ये आ गया जी डेस एक्स इक्वल टू माइनस के वन अपॉन एफ, जी एफ डेस जी एक्स का क्यूब इंटू एफ डबल डेस इन जी एक्स अब आपको बताना सॉरी ये जी डबल डेस है अब आपको फाइंड आउट करना जी ये इसका मैंने एक बार डिफ्रेंशन और किया है तो आप इसको एक काम करो इधर और लिख दो इक्वल टू है g डबल डैस x इक्वल टू ठीक है ये लेट करो तो इसमें जब x को थी लोगे तो क्या आ गया देखो g डबल डैस थ्री इक्वल टू माइनस के वन अपॉन f डैस g थ्री भी आपका थी होगा क्यों क्योंकि तो अभी देखो ना g थ्री का मीनिंग क्या है इसमें जब x को थी लोगे तो g थ्री कितना आ गया एफ इनवर्स थ्री और आपने अभी लिखा था एफ ऑफ थ्री की वैल्यू थ्री है तो एफ इनवर्स थ्री भी आपका थ्री होगा तो थ्री आ गया तो दे नहीं बन गया एफ डे थ्री का क्यू एफ डबल डे जी थ्री आपका थ्री है तो देखो एफ डबल डेस थ्री की वैल्यू तो क्या थी फोर अपॉन थ्री फोर सॉरी थ्री अपॉन फोर और एफ डे थ्री चाहिए मेरे को तो एक काम करो ना ये आपका एफडेस एक्स है कौन है एफडेस एक्स ये वाला एवडेस तो एक्स में एक्स को थ्री लेने का मीनिंग है टी को वन लेना है तो टी को मन लेने पे कितना जाएगा फाइव बाई टू ये लो तो एवडेस थ्री आ गया फाइव बाई टू तो कितना जाएगा माइनस के वन 5 फाइव बाई टू का क्यों वन ट्वेंटी फाइव ऊपर आ गया एट इन टू में कितना आ गया दिस इज थ्री अपॉन फोर तो टू तो सिक्स अपॉन वन ट्वेंटी फाइव का माइनस तो इसका एक थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा तो सिंपल क्वेश्चन इतना टफ क्वेश्चन था नहीं चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन फोर क्या है मतलब एक है किसकी इलिप्स की देखो ना सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एम फोर विच कॉर्ड ऑफ स्लोप ऑफ एम ऑफ दर्किल दिस पार्ट टच पैराबोला दिस पार्ट तो क्या करना सिंपल सा क्वेश्चन है करते हैं स्टार्ट इसको तो आपको एम का इंटरवल करना फाइंड आउट तो देखो रफली डायग्राम देखो एक बार जैसे एक सर्किल है सेंटर जीरो जीरो रेडियस इसकी टू है और ये यह आपका पैरावोला वाई स्क्वास अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कॉर्ड ऑफ दी दर्किल एक सर्किल की कॉर्ड अगर इसको टच करती है तो रफली डायग्राम ऐसे ले, ले लेते हैं ये लो तो क्या करोगे जैसे एक सर्किल है ये लेट इसकी कॉर्ड है और ये सर्किल को कहीं भी टच करती है वो जरूर नहीं है अंदर बार करो तो इसके लिए वाटर ऑप्शन यही है मेरे अकॉर्डिंग तो देखो करते हैं इसको ये सर्किल था ये लेट इसकी कोड है और ये इसको ऐसे टच करता है पैरा को एक रफली डायग्राम है वो अंदर से करना चाहिए बट कोई मतलब नहीं है तो क्या करो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोड को करो y क्वेश्चन ऑलरेडी इसका स्लोप m बोला गया है और ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पैराबोला को टच करती है तो पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टें तो कितना जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस वन वाई एम यस सर एम से मल्टीप्लाई करू तो आ गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के एक तरफ लिया मैं सबको कॉर्ड ए बी की क्वेश्चन है और बाद में ये अगर सर्किल की कॉर्ड है तो उसका मीनिंग क्या है सर्किल के सेंटर जीरो जीरो से जो रेडियस है वो हमेशा इस सीएम लेंथ से ग्रेटर होगी ठीक है ना इस सेंटर से जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है तो वो रेडियस से क्या होगी लेस मतलब सी एम लेस देन रेडियस तो सी एम का मतलब जीरो जीरो से इस लाइन की डिस्टेंस तो जीरो जीरो लेने पे आ गया वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेडियस इज टू ठीक है इसकी दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फोर एम की पावर फोर प्लस एम स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो ठीक है तो ये क्या है एम स्क्वायर में क्वालिटी के तो आप एक काम करो एम स्क्वायर को टी लेट कर दो तो क्या बन गया फोर टी स्क्वायर प्लस फोर माइनस वन इज ग्रीरो अब इसके फैक्टर तो फोर टी है सॉरी इसके फैक्टर तो कर नहीं सकते तो इसके फैक्टर मान लो अल्फा एंड बीटा तो टी माइनस अल्फाइन इन टू तो क्या होगा ये लेट अल्फा ये लेट बीटा प्लस माइनस प्लस तो ये आपका आंसर होगा तो सबसे पहले t की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर टी के फैक्टर तो t इक्वल टू क्या होगा माइनस के फोर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो सोलह सोलह बत्तीस बटे चार तो बत्तीस का मतलब आ गया फोर रूट टू अपॉन एट तो टी आ गया फाइनली फोर कॉमन ले सकते हैं तो माइनस वन प्लस माइनस रूट टू अपॉन टू लेकिन टी का मीनिंग क्या था एम स्क्वायर टी का मीनिंग क्या था एम स्क्वायर तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया एम स्क्वायर इक्वल टू और मुद्दे की बात यह है सीधी सीधी बात है इसके अकॉर्डिंग तो एक तो आंसर जाएगा टी लेस देन अल्फा यूनियन टी ग्रेटर देन बीटा तो टी की वैल्यू लिखोगे आप एक भाई अल्फा तो नेगेटिव होगा अल्फा तो लेस है बीटा आपका ग्रेटर है तो अल्फा तो टेकिंग माइनस वाला और बीटा टेकिंग प्लस वाला तो जब टेकिंग माइनस लोगे तो क्या गया M स्क्वायर लेस देन नेगेटिव तो पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव ही तो हो गया फोर्स इसको हटा तो दो सीधा तो ओनली लेना है टी ग्रिट देन बीटा तो क्या गया टी का मीनिंग एम स्क्वायर सीधा लिख देते हैं इसमें एम स्क्वार माइनस वन प्लस रूट टू, टू। तो इससे क्या आ गया मोड एम ग्रिट देन रूट ऑफ दिस पार्ट रूट का मतलब इस पे रूट आ गया ना तो मोड एम ग्रिट देन मोड एक्स ग्रिट देन ए तो एक्स ए से ग्रेटर माइनस ए से ले तो एम ग्रेन दिस पार्ट आ गया तो एम ग्रेन दिस पार्ट तो ये आ गया और माइनस से दिस पार्ट तो इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा तो सिंपल क्वेश्चन है हो जाना चाहिए सबसे चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये तो सिंपल है विच ऑफ सबसेट ऑफ दी रेंज ऑफ फंक्शन मतलब इस फंक्शन की जो रेंज है उसका कौन सा सबसेट आपके ऑप्शन में होगा मतलब फाइनली आपको इसकी रेंज को करना कैलकुलेट तो देखो इसकी रेंज कैसे करोगे कैलकुलेट करते हैं स्टार्ट देखो सिंपल इसकी रेंज डिपेंड करती है साइन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी जीरो सेवन ठीक है तो साइन स्क्वायर एक्स जीरो से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा जीरो से पाइवे फोर और जीरो से पाइवे फोर में कॉस की वैल्यू क्या होगी कॉस जीरो तो वन आ गया और कॉस पाइवे फोर आ गया वन बाई रो टू इसका मीनिंग जीरो से पाई फोर में कॉस की वैल्यू आपकी वन बाई रूट टू से बनाए तो सिंपल सी बात है आगे लॉग आ रहा है ना तो इसकी मिनिमम के लिए तो पुट कर दो वन बाई रूट टू तो लॉग टू वन बाई रूट टू तो कितना जाएगा लॉग टू वन बाई रूट टू का मीनिंग है टू की पावर माइनस हाफ और लॉग वन कितना आ गया जीरो हटाओ तो देन इसकी रेंज होगी माइनस हाफ से जीरो ये इस फंक्शन वाई इक्वल टू दिस पार्ट की रेंज है तो क्वेश्चन ने पूछा कि विच ऑफ दी फॉलोइंग सबसेट ऑफ दी दिस रेंज तो कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं माइनस वन से जीरो ये करेक्ट है कोई भी सेट ईच का क्या होगा सबसेट अपन सेट को उसका सबसेट भी बोलते हैं ना इसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं और एक ये ऑप्शन आ गया क्योंकि ये जो पार्ट है वो इसके अंदर इनबिल्ट है इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है चले तो सिंपल क्वेश्चन था उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है ए हाइपरबोला हैविंग ट्रांसफर एक्सिस ऑफ लेंथ 1/2 यूनिट इज कॉन्फोकाइल कोन फोकल विद दी इलिप्सेज दिस पार्ट देन व्हिच ऑफ दी फोलम ऑप्शन इज ऑब्लिक करेक्ट मतलब एक हाइपरबोला की जो ट्रांसफर एक्सिस है उसकी लेंथ तो गिवन है आपको 1/2 मतलब 2a आपको 1/2 गिवन है मतलब a आपका आ गया 1/4 और उस

तो देखो एक बार इसकी रफली डायग्राम को करते हैं इधर तो इसकी फुकाया आऊंगी किसकी आई प्रो बोला और बाद में जब क्वेश्चन देखो इस की बात करोगे तो इलिप्स की क्वेश्चन कितनी है एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस ट्वेल्व से डिवाइड किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इलिप्स की बताओ क्या होगी? इसकी होगी रूट ऑफ वन माइनस नाइन अपॉन सिक्सटीन तो ई कितना जाएगा बताओ थ्री बाई फोर तो एलिप्स का जो डायग्राम वैसे होगा ना क्योंकि ए इसमें टू है आपका तो ए तो काफी बड़ा है तो एलिप्स की फुकाए और हाइपरबोला की फुकाया सेम है तो जो फुकाए एलिप्स की होगी ना वही हाइपरबोला की होगी तो एलिप्स की फुकाए क्या होगी प्लस माइनस ए को e तो, को आप ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए टू है ना तो e को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 3/2 यस सर a e कोमा 0 तो a आपका 4 है तो ये आ गया 3/2 कोमा 0 अब आप एलिप्स को तो भूल जाओ तो हाइपरबोला की फोकाई गिवन है 3/2 कोमा 0 और इसकी जो ये लेंथ है ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी 2a तो 2a आपको गिवन है 1/ by 2 2a आ गया 1/2 इसकी एसेंटिसिटी गलत लग दी अपन ने एक में रुकना एक्स स्क्वायर अपन चार तीन तो यार तीन वटे चार आएगा ना सॉरी ये गलत कर दिया एक, एक में रुके आप इसेंटिसिटी होगी इसकी अंडर ऑफ वन माइनस थ्री बाई फोर दिख गया मेरे को अचानक तो इसेंटिसिटी आपकी वन बाई टू है ना तो ए करने पर क्या गया ए टू बाई टू वन आ गया सॉरी क्योंकि वो दो से ज्यादा बड़ा आ गया ना ये लो तो जो हाइपर बोला है उसकी फुकाए हैं 1.0 उधर होगी माइनस के वन, कोमा जीरो, की वन कोमा जीरो। और 2a की लेंथ आपको गिवन है 1 बाई टू ठीक है तो लिखते हैं आपको 2a तो गिवन है 1 बाई टू तो देन इससे a आ गया वन 4 और हाइपर बोला की फुकाए क्या लिखोगे ए तो ए कितना 1 बाई टू है ना तो ए ई सेंटिसिटी तो उसको भूल जाना अब सेंटिसिटी किसकी हाइपर की सेंटिसिटी है तो ए को वन बाई लोगे तो ए अगर आपका कितना है और ए आपका सॉरी कितना वन? इस तो एन इसकी और ये कितनी है? ए को तो ए लेने पर इसेंटिसिटी क्या होगी फोर तो इसका एक तो आ गया सेकेंड ऑप्शन और आपको ए पता है ई गिवन है तो बी स्क्वायर की वैल्यू के लिए क्या करोगे इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ई स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर अपोन ए स्क्वायर तो देखो करते हैं इसको e आ गया स्क्वार माइनस वन इज फिफ्टीन इक्वल टू बी स्क्वायर अपोन ए स्क्वाजीन आ गया तो सिक्सटीन आ गया मतलब बी स्क्वायर आ गया सोलह बटे पंद्रह सर बी स्क्वायर आपके पास आ गया सिक्सटीन बाई फिफ्टीन अब देखो इसके बाद क्या करना है तो फर्स्ट ऑप्शन तो आ नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन तो इसने सिक्सटीन की जगह वन बायटीन आना चाहिए यह जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए इज वन बाई फोर तो सोलह माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी आएगा सोलह बी की वैल्यू क्या होगी फिफ्टीन बाई सिक्सटीन क्या होगी बोलो फिफ्टीन सिक्सटीन तो फिफ्टीन बाय सिक्सटीन इक्वल टू वन तो उल्टा दे दिया ना इसने सिक्सटीन से डिवाइड करोगे तो इधर वन इधर फिफ्टीन आना चाहिए तो गलत आंसर है उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है तो एक तो सेकंड ऑप्शन आ गया सेकंड के बाद डिस्टेंस बिटवीन दी दिक्स तो इसकी एक तो डायरेक्टिक्स टू ए अपोनी इधर माइनस के अपोनीस टू ए अपॉन ई तो टू ए अपॉन ई तो टू ए आपका वन बाई फोर है और ई e आपका फोर है तो क्या आ गया वन बाई तो ये भी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट लेंथ ऑफ दी दस्ट रेक्टम ऑफ दी हाइपरबोला तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी टू बी स्क्वायर अपोन तो ए कितना बनवाई है ना तो एट बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी फिफ्टीन बाय सिक्सटीन तो दिस इज फिफ्टीन बाई टू तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा तो इसका सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बच्चों करेक्ट होंगे तो ठीक क्वेश्चन ये चलो उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देखो एमसी क्यू फिर एन जी की बात करते हैं क्या बोला गया पड़ोस को सभी एक है जो से पास होगा एंड एक्स एक्सिस ऑफ डायमीटर पासिंग थ्रू दी पॉइंट मतलब पॉइंट ए से जो डायमीटर पास होगा सर्किल का उसका जो सेकंड एंड पॉइंट उसका लोकस आपको फाइंड आउट करना है और वो उसने पैराबोला बोल दिया देन विच ऑफ द्रू पैरावोला की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बतानी है आपको कॉर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दोला इसका मीनिंग क्या है फुट ऑफ द डायरेक्टिक्स ऑफ द पैरावोला का मीनिंग है कि जो पैरावोला ड्रॉ करोगे और डायरेक्टिक्स करो ड्रॉ करोगे तो उसकी एक्सिस और डायरेक्टिक्स का जो परपेंडिकुलर सॉरी पैरावोला की एक्सिस और डायरेक्टिक्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी को बोलते हैं फुटो फुट क्या बोलते हैं फोट थर्ड ऑप्शन भी सेम ही है, और फोर्थ ऑप्शन लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दैरावोला कंस्टीट्यूट ए क्वारिलेटरलिया एट यूनिट मतलब लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड पॉइंट हैं उनपे जब आप क्या ड्रॉ करोगे टेंजेंट्स और नॉर्मल डॉ करोगे तो उससे जो कॉर्डिनेटर फॉर्म होगा उसका एरिया क्या होगा ठीक है तो देखो इसके लिए क्या करना पहले एक बार समझ लो चलो करते हैं सबको सुनो मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूं क्योंकि इसको यूज करेंगे डायरेक्ट अपन एक बार स्टैंडर्ड पैराबोला लेके काम करते हैं क्योंकि पैराबोला अगर जनरल भी है ना तो उसको ओरिजिन पे तो शिफ्ट कर सकते हैं ना क्योंकि तो पैराबोला को अगर उसका वर्टेक्स जीरो जीरो है और आपने वर्टेक्स को अगर लेट अल्फा कोमा बीटा पे शिफ्ट कर दिया कहीं भी शिफ्ट कर दो तो शिफ्ट करने से जो क्वारेटर का एरिया है होगा वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो शिफ्टिंग करने से एरिया आपका रिमेन्स दी सेम रे एरिया ऑटोमेटिक क्या होगा सेम रहेगा ऑलवेज तो देखो इसकी लेटेस्ट रेक्टम होगी ए कोमा टू इसके एंड पॉइंट तो इस पर ऐसे बनेगी ना सिमेट्री से तो ये पॉइंट तो आता है माइनस के ए कोमा जीरो और जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो ऐसे कट करेंगे तो ये पॉइंट आता है टू ए कोमा जीरो करके देख लेना आप आराम से तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया सेम होगा या इस ट्राइंगल का एरिया और, एरिया और इसका एरिया सेम है तो टोटल एरिया क्या होगा ट्वाइस इंटू वन बाई टू इसका बेस तो आ गया टू ए और ए थ्री ए और हाइट इज टू ए थ्री ए चला गया तो आंसर कितना आ गया आंसर होगा ठीक है तो इससे जो क्वालिटी फॉर्म होगा उसका एरिया क्या होगा सिक्स ए होगा ध्यान रखने से बात को। हो ठीक है चलो सिक्स ये कितना होगा थ्री ए तो थ्री इन टू ए फोर ए आ गया तो फोर ए लेने पे आ गया टू से टू एट ए आंसर होगा इसका क्या होगा बोलो एट ए आंसर चलो देखते हैं अभी करके ये ध्यान रखना अब अपन अपने इस पार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके लोकस की बात करो तो देखो लोकस में क्या करोगे एक बार रफली डायग्राम कर देते हैं ये एक्स एक्सिस को टच करवाना है ये लोग करवा दिए टच और ये आपका ये पॉइंट वन काम टू से पास होगा सॉरी टू कॉमन से इसको टू कॉमन से आपने पास किया अब आपने क्या किया ये पॉइंट ए पे आपने इसका डायमीटर बनाया तो देन बोला गया कि इसका जो अदर एंड है ये लेट पॉइंट आपका भी है इस पॉइंट का लोकस उसको क्या मान लो एच कोमा के ये अगर एच कोमा के लेट किया तो एक काम करो आप डायमीटर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्किल रखो इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डायमीटर फॉर्म इज एक्स माइनस एक्स वन तो एक्स माइनस एच इन टू एक्स माइनस टू ये एक्स वन ये वाई वन एक्स टू प्लस y माइनस के इंटू वाई माइनस बनने पूरी ये आपके सर्किल की इक्वेशन है इन डायमीटर फॉर्म इतना आने के बाद आपको एच के और कॉन्स्टेंट में लाना रिलेशन तो उसके लिए देखो एक काम करो ना दिस सर्किल टच द एक्स एक्सिस तो अगर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसमें वाई तो जीरो होगा और एक्स की ओनली वन वैल्यू है तो क्या करो इट्स टच दी एक्स एक्सिस तो आप वाई को जीरो पुट कर दो तो y को जीरो करने पे क्या आ गया x इंटू एक्स आ गया एक्स पूरा माइनस के टू एक्स माइनस के एच एक्स प्लस टू एच और y को जीरो प्लस k इक्वल टू जीरो और देन इट इज बिकम क्वार्टिक इन x अब अगर ये x में क्वार्टिक है और x की बहुत वैल्यूज आर सेम तो डी जीरो कर सकते ना तो सीधा इसका क्या कर दो डी जीरोन एच कोमा के में रिलेशन तो डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर सी तो बी कितना होगा एक्स का कोफिशियंट तो ये आ गया टू प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस फोर ए वन है और सी आपका आ गया टू एच प्लस के इक्वल टू जीरो सोल्व करते हैं अपना फटाफट पड़ से तो देखना कितना आ गया एच का मतलब एक्स है और के का मीनिंग वाई है तो सीधा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स माइनस एट एक्स माइनस के फोर वाई इक्वल टू जीरो ठीक है तो इन तीनों को देखोगे तो क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर दिस इज एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई यस सर तो बस यही काम का है इसको याद रखें एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई ठीक है इसको हटा देते हैं एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई ये x माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई तो उसको लिख सकते हैं कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई जिसमें कैपिटल ए आपका वन है तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फोर ए होगी ना तो एल आर की लेंथ तो फोर होगी तो इसके अकॉर्डिंग एक तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट फिर बाद में उसके एरिया की बात करते हो आप तो ए आपका वन है ना तो क्या बोला था मैंने जो अपन ने अभी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पैराबोला पे नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ की थी उसके बिटवेन एरिए क्या था एट ए तो ए को वन लेने पे एट आ गया आंसर तो सीधा याद रखें इसको आप स्टैंड करके के देख लो बाद में उसको क्या कर सकते हैं जनरलाइजेशन उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला इसका मीनिंग क्या देखो आप इसे समझो वाई स्क्वार टू फोर एक्स का डायग्राम ये होगा और ये क्या है इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी वाई इक्वल टू माइनस ए का मतलब तो ये ये वन तो ये पॉइंट इसी को बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्टिक्स और ये पॉइंट दिक्स जीरो माइनस वन तो कैपिटल एक्स जीरो और कैपिटल का मीनिंग तो तो इससे आ गया स्मॉल तो होगा और कैपिटल वाई आपका माइनस वन है तो देन इसका फुट क्या होगा टू कोमा माइनस वन तो इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा तो वन थ्री फोर इसके ऑप्शन क्या होंगे करेक्ट ठीक है तो सिंपल सा क्वेश्चन था चलो नोट करो उसको फिर उसके बाद आगे चलते हैं अब बात करते हैं अपन इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस की तो बनवाई बन देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया फाइंड दी नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दी इक्वेशन दिस पार्ट इज तो देखो जो आपको ये क्वेश्चन है इसमें टू डिफरेंट टाइप के वेरिएबल हैं एक तो क्या है इसमें मोडलस फंक्शन है और एक थ्री की पावर मोडेक्स ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और आपको इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन आउट करने तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो जब किसी भी इक्वेशन में दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है तो उनको सेपरेट कर दो आप तो इस थ्री की पावर मोड मोडेक्स को इधर शिफ्ट किया तो क्या आ गया मोड होलमोड इक्वल टू थ्री की पावर के माइनस मोडेक्स अब आप क्या करो दोनों के डायग्राम रो कर दो बहुत के डायग्राम जितने पॉइंट पे क्या करते हैं होंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन देखो फटाफट से मोड एक्स का डायग्राम ऐसे होगा आप टू माइनस मोड एक्स को ये भी लिखोगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि मोड के अंदर माइनस कॉमन ले सकते हैं ये भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है तो मोड एक्स का डायग्राम ये है मोड एक्स माइनस टू का ऐसे होगा और इसका दोबारा मोड लोगे तो डायग्राम बनेगा यू ऐसे 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 और ऐसे ये पॉइंट आएगा जीरो कॉमन टू ठीक है क्योंकि तो एक्स को जीरो माइनस टू को देखो कैसे बनाना है सीधी सीधी बात है और ये बाद में एक्स को इन्फिटी लोगे तो थ्री की पावर माइनस इन्फिटी जीरो की तरफ करेगा तो थ्री की पावर या ए की पावर माइनस नीचे जाएगा ना और इधर भी डायग्राम नीचे जाएगा क्योंकि दोनों डायग्राम इवन इवन फंक्शन है आपका और इवन फंक्शन का डायग्राम सिमेट्रिक अबाउट दी एक्सिस तो इसके अकॉर्डिंग इसके टोटल कितने फोर ठीक सिंपल सा क्वेश्चन है चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साइन हा इसमें क्या करना आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है डी डीएक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पे इसकी वैल्यू आपको दिस पार्ट गिवन है देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ लेमदा प्लस म्यू इज और ये क्वेश्चन आई का क्वेश्चन है बहुत पुराना सब्जेक्टिव, तो चलो इसको करते हैं स्टार्ट ठीक है थोड़ा तो लेंथी क्वेश्चन बट हो जाएगा आराम से तो देखो तो 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 इसमें साइन वाई की पावर साइन पाई एक्स बाई ये फंक्शन की पावर फंक्शन है तो फंक्शन की पावर फंक्शन के डायग्राम सॉरी फंक्शन की पावर फंक्शन का अगर क्या करना है तो उसके लिए क्या करते हैं उसका लॉग लेते तो एक काम करो इसमें से जो छोटा सा पार्ट है इसको पहले यू, यू इसको यू लेट करने के बाद अब आप करो उसका बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू दी एक्स क्योंकि ये जो फंक्शन है आपका इंप्लीसिट फंक्शन है इंप्लीसिट का मतलब मिक्स है इसमें एस एक और एक्सरवाइ जिसको सेपरेट नहीं कर सकते तो क्या करोगे यू का करोगे तो क्या आ डीवाई डी एक्स प्लस अब इसका करोगे रूट थ्री बाई टू एज इज है सेकर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन लेकिन मोड एक्स लगाना अपॉन में याद है ना सेक वर्स एक्स का प्रॉपर आंसर होगा वन अपॉन मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन तो वन अपॉन मोड एक्स तो मोर टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर करने पर आ गया फोर एक्स स्क्वायर माइनस के वन और टू एक्स का जाएगा टू ठीक है याद रखना आगे सेकंड का प्लस इसमें टू की पावर एक्स और दिस ये दो फंक्शन है तो वन बाई वन करोगे आप तो कर देते हैं क्या दिक्कत है तो पहले टू की पावर एक्स का किया तो टू की पावर एक्स लॉग टू और टेन ऑफ दिस पार्ट इट इज टेन एलेन एक्स प्लस टू आपका इज प्लस अब किसका करते हैं टू की पावर एक्स इट इज लॉग का किया तो लॉग का क्या होगा सेक्वायर लॉग एक्स प्लस टू और लॉग एक्स प्लस टू का वन अपॉन एक्स प्लस टू तो अपॉन में क्या आ गया एक्स प्लस टू एक्स का वन होगा ठीक है हटाओ इक्वल टू में आ गया जीरो अब एक काम करो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स को कर दो माइनस वन एक्स को माइनस वन लेने पर क्या आएगा डायरेक्ट देखना इससे तो आ गया सीधा डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस ये टू से टू चला गया एक्स को माइनस वन लोगे तो वन हो गया ना क्योंकि माइनस वन का मोड वन हटाओ माइनस वन का स्क्वायर वन फोर माइनस वन थ्री रूट थ्री से रूट थ्री तो ये आ गया ओनली वन बाई टू प्लस देखो एक्स को माइनस वन लोगे माइनस वन टू प्लस वन लॉग वन जीरो और टेन जीरो जीरो तो ये तो पूरा जीरो में चला गया हटाओ इससे कुछ आने वाला है तो टू की पावर माइनस वन इज वन बाई टू और जब आपने इसको यू लेट करके इसका क्या किया डिफ्रेंशिएशन और उसमें एक्स को वन पुट किया माइनस वन सॉरी तो देस एट एक्स इक्वल टू माइनस वन एज माइनस के वन तो उसको हटा देते सीधा कोई जरूरत नहीं इसकी इससे क्या आ गया फाइनली इसको दोबारा लेट एक्स इक्वल टू माइनस वन इज माइनस के वन अब आपने इसको यूलेट किया ना तो इसको यूलेट करते दोबारा क्योंकि मेरे को तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए साइन वाई की पावर साइन ऑफ पाई एक्स वाई टू अब इसका लो टेकिंग बोथ साइड लॉग तो दोनों तरफ लॉग लेने पे आ गया लॉग u इक्वल टू पावर आगे जाती है लोग में तो साइन अभी हो जाएगा फटाफट पाई एक्स वाई टू इंटू लॉग साइन वाई अब करो फर्स्ट इन टू सेकेंड इसका डेफिशन लॉग यू का करोगे तो क्या आएगा वन अपॉन यू डी यू वाई डी एक्स इक्वल टू इसमें लगाओ फर्स्ट सेकेंड तो पहले साइन का कर दें कॉस पाई एक्स वाई टू और पाई एक्स वाई, तो वाई टू का आ गया पाई बाई टू एलेन ऑफ साइन वाई यस सर प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज तो साइन पाइए का करोगे तो वन अपॉन साइन वाई साइन वाई cot वाई, तो वाई, वाई, वाई और वाई का आ गया डीओवाई dx अब आप वंस अगेन इसमें पुट कर दो कितना एक्स को माइनस वन तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आने वाली है x को माइनस वन लोग बतानी पड़ेगी कि sin y और y क्या चलो उसको देखते माइनस तो तो वन तो एक काम करो ना सबसे पहले वाई की वैल्यू क्या होगी तो जो अपनी इक्वेशन है x को पुट करो माइनस वन तो देखो x को माइनस वन लेने पे क्या साइन माइनस वन तो यह एल एन वन जीरो तो जीरो हो गया टाव। इसमें देखो सेक इनवर्स माइनस टू आ गया ना तो देखो इसको लिखते हैं प्लस रूट थ्री बाई टू सेक इनवर्स माइनस टू को लिख सकते हैं पाई माइनस सेक सेकेंड टू तो क्या आ गया पाई माइनस सेक वर्स टू और सेक वर्स टू का मतलब कॉस इनवर्स हाफ कॉस की वैल्यू हाफ का होगी पाई बाई थ्री पे सिक्सटी डिग्री पे तो ये करने पे आ गया सीधा वन अपॉन साइन वाई इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री यस सर तो जब इसको टू पाई बाई थ्री लोगों की तो टू से टू चला गया तो पाई अपोन थ्री आ गया ना तो पाई अपोन रूट थ्री और चला गया माइनस उधर इंप्लाइज दैट इससे आ गया साइन वाई इक्वल टू माइनस के रूट थ्री अपोन पाई क्या आ गया साइन वाई आ गया माइनस की रूट थ्री अपन पाई साइन वाई आने के बाद आगे क्या करना है सिंपल साइन वाई का बना दो डायग्राम ये रूट थ्री होगा ये पाई होगा तो देन ये कितना जाएगा बताओ पाई स्क्वायर माइनस थ्री ये अगर आपका वाई है तो देन इससे लिख सकते हैं टेन वाई तो देखो टेन वाई में क्या लिखोगे इससे टेन वाई क्या होगा दिस अपॉन दिस तो आ गया। रूट थ्री अपॉन रूट ऑफ कितना ठीक है बट कर सकते हैं रूट थ्री स्कौर माँग स्कौर माँग स्कौर अब फटाफट एक काम करो सबसे पहले तो चाहिए डी वाई डी एक्स की वैल्यू तो डी सॉरी वन अपॉन यू की वैल्यू चाहिए ना तो वन अपॉन यू की वैल्यू के लिए क्या करोगे यू की वैल्यू कब मिलेगी यू की वैल्यू कब चाहिए जब एक्स मेरा माइनस वन है तो यू की वैल्यू के लिए एक्स को माइनस वन और y की साइन y की वैल्यू पता है मेरे पास तो इससे u कितना आएगा कब जब एट एक्स मेरा तो माइनस वन है माइनस के पाईअपन रूट थ्री ये तो आ गया माइनस के पाई अपन रूट थ्री ठीक ये लो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस के रूट थ्री अपॉन पाई उल्टा हो गया ना और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी माइनस के वो आपने लिखी हुई है उधर ये लो उसके बाद वंस अगेन x को माइनस वन लोगे तो ये तो सीधा जीरो में चला गया हटाओ x को माइनस वन लेने पे सीधा जीरो में चला गया इसको हटा सकते हैं क्योंकि cos पाई बाई टू जीरो और इधर लोगे तो क्या गया साइन माइनस पाई बाई टू माइनस वन तो माइनस में लगा देते हैं cot y की वैल्यू क्या होगी दिस अपॉन दिस पाई अपॉन सॉरी टेन वाई तो दिस अपन तो कोट वाई इसका उल्टा हो गया ना तो इसका जब उल्टा करोगे तो उल्टा करने पे क्या आ गया रूड पाई स्क्वायर माइनस थ्री अपोन रूट थ्री इंटू डी डीएक्स बराबर जीरो तो केयरफुली देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया हटाओ और बाद में इसको इसकी डिवाइड में लेके आओगे तो आगे माइनस आ जाएगा क्या जाएगा माइनस और देखो अपन को जो आंसर है उसमें भी माइनस दे रखा है ठीक है तो मैं इसको हटा देता हूं तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या आने वाला है ये आ गया डी वाई डी वा एक्स इक्वल टू देखो माइनस चला गया उधर रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री आ गया तो कितना आ गया थ्री अपॉन रूट ऑफ पाई स्क्वायर माइनस थ्री कितना आ गया रूट ऑफ पाई स्क्वायर माइनस थ्री ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है तो नोट करें चले तो इसमें लेमदा भी थी होगा और म्यू भी आपका 3 है तो देन लेमदा प्लस म्यू कितना जाएगा बोलो इसमें लेमदा प्लस म्यू की वैल्यू होगी आपकी थ्री और थ्री सिक्स तो इसका सिक्स आंसर आपको फिल करना ठीक है चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा टू दी हाइपरबोला बोला थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर टू सिक्स एंड आर इनक्लाइंड एट एंगल थीटा एंड फाइव टू दी एक्स एक्सिस मतलब आपने पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा से इस बोला पे दो टेंजेंट ड्रॉ है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा और एंगल बनाती है। तो अगर ये दोनों टेंजेंट थीटा 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 और एंगल बनाती है तो तो स्लोप क्या होगा? M 10 theta, M 10 तो उसने क्वेश्चन बोल दिया इफ तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट

और पैरा और इलिप्स में होती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें माइनस आता है और दिस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा इस टेंजेंट को अल्फा बीटा से पास किया तो क्या आ गया बीटा इक्वल टू एम अल्फा प्लस सी तो क्या करें काम करो ना इस एम अल्फा को लेफ्ट में ले आओ तो बीटा माइनस एम अल्फा इक्वल टू सी तो इसकी स्क्वार करोगे तो रूट हट जाएगा सी तो स्क्वायर की वैल्यू सीधे ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी तो ए स्क्वायर कितना है टू बी है तो, 2, तो ये बनेगी एम जिसकी टू वैल्यूज होंगी एम वन एम टू तो आपको एम वन एम टू टू भी तो हो सकता है अल्फा बीटा में रिलेशन पता चल जाए तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्क्वायर ओपन करो तो क्या आ गया एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू एल्फा बीटा एम इक्वल टू आ गया टू एम स्क्वायर माइनस थ्री सबको लेफ्ट में ट्रांसफर करो तो देन एम स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आ गया एल्फा स्क्वायर माइनस टू इन टू एम स्क्वा ठीक है बेटा माइनस टू एल्फा बीटा एम प्लस बीटा स्क्वायर प्लस थ्री ये एम ए क्वार्ट है जिसकी टू वैल्यूजन एम को इसका मतलब ये कि जो आपकी टू टेंजेंट है उसमें स्लोप्स में रिलेशन है एम स्क्वायर तो टू स्लोप है एम एन एम टू तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको टू के मतलब टेन थीटा टेन का तो क्या आ गया सी अपोन है तो ये आ गया बीटा स्क्वायर प्लस थ्री अपोन कितना एल्फा स्क्वायर माइनस टू ये वैल्यू किसकी क्वालेंट है बोलो टू के इक्वलेंट है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देन ये होगा बीटा स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू टू अल्फाइन स्क्वायर माइनस फोर तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है सिंपल क्वेश्चन टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर को उधर ले आओ फोर को इधर तो देन टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बोलो सेवन आंसर an फिल करना ठीक है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ो को फाइंड दॉसिबल इंटीगल अल्फा आपने क्या किया टू अल्फा से दो टेंजेंट ड्रॉ की और उन टेंजेंट के बिटवीन जो एंगल है वो पाई बाई थ्री से है तो बताओ अल्फा की इंटीगल वैल्यूज का सम क्या हो सकता है तो करते हैं इसको स्टार्ट देखो इसका सेंटर तो कितना है एक सेकेंड एक सर्किल है लेट ये पॉइंट है आपका एक पी अल्फा कोमा अल्फा आपने इस पर क्या करना है दो टेंजेंट्स को करना है चलो टेंजेंट डो करते हैं ये फर्स्ट टेंजेंट है सेकंड टेंजेंट है ठीक है ये इसका सेंटर लेट करो तो ये पता है एंगल 90 होगा अपना क्योंकि तो टेंजेंट पे सेंटर से जब परपेंडिकुलर डो करती तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे मीट करता है ये एंगल आपको गिवेन है ठीटा कितना पाई से पाई से तो एक काम करो इस पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दो आप तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे ना तो अगर ये आधा तो आधा तो हो गया अरेवाई तो टू तो होगा इसमें लिख सकते हैं ठीटा बिलोंग्स टू पाई बाई से सेंटर कितना वन कोमा वन ये आ गया वन कोमा वन और रेडियस क्या होगी देखो एक एक दो टू रूट टू आ गई रेडियस क्या जाएगी बोलो टू रूट टू टूरूर। और अपने एक काम करते हैं ये टेंजेंट की लेंथ क्या होगी रूट एस वन तो रूट एस वन एस वन का मीनिंग पॉइंट पुट कर दो तो अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टू अल्फा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा माइनस सिक्स चलो लिख देते हैं टू एल्फा स्क्वायर माइनस फोर एल्फा माइनस सिक्स ये आपकी टेंजेंट की लेंथ है तो देखो थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस तो टेन थीटा क्या दिस अपॉन दिस यस सर तो लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू टू रूट टू अपॉन अंडर रूट ऑफ देखो इन तीनों में से टू कॉमन ले सकते हैं तो जब टू कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ गया एल्फा स्क्वायर माइनस के टू अल्फा माइनस थ्री तो देखो रूट टू से रूट टू कैंसिल तो टेन थीटा आ गया ना अब टेन थीटा आने के बाद देखो क्या करें आप सीधी सीधी बात है जीरो से नाइनटी में टेन टीटा की वैल्यू इनक्रीज करती है तो टीटा को पाई सिक्स लोगे बच्चों तो टेन टीटा की वैल्यू वन बाई रूट थ्री से ग्रेटर होगी तो यस सर फिक्स है तो टेन टीटा की पुट कर दें टू अपॉन रूट ऑफ दिस पार्ट तो टू अपॉन रूट ऑफ कितना एल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा माइनस थ्री रूट थ्री। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्कोरिंग कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव पार्ट है। तो चार बारा अल्फा टू अल्फा थ्री। इस को राइट में कुछ गड़बड़ी इसमें क्या होगा माइनस के फिफ्टीन फैक्टर हो जाएंगे इसके फैक्टर हाँ होंगे

तो सीधा ये कर दो रेडियस वाला पार्ट वो दोनों सेम ही चीज है इसके फैक्टर होंगे अल्फा माइनस थ्री और अल्फा माइनस वन सॉरी एल्फा माइनस थ्री और अल्फा प्लस वन लिख देते हैं ये लोग एल्फा प्लस वन इन टू एल्फा माइनस थ्री ग्रेन जीरो माइनस वन पे जीरो होगा थ्री पे प्लस माइनस प्लस इसके अकॉर्डिंग ये आ गया वन से माइनस वन लेस और थ्री से, से ग्रेटर इसका जब फर्स्ट के साथ कॉमन तो क्या होगा माइनस थ्री से माइनस वन यूनियन थ्री से फाइव ठीक है तो देन इसका फाइनल आंसर आ गया एल्फा बिलोंग्स टू माइनस थ्री से माइनस वन यूनियन थ्री टू फाइव ओपन ब्रैकेट है सब पे तो इसके बिटवीन कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू होंगी माइनस के टू और फोर बस तो माइनस टू और फोर का सम कितना होगा बोलो टू आंसर फिल करना है इसका ठीक है तो इस सारी कंडीशन को लगाना मस्ट है अगर आपने ये लिख दिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा फिर तो क्या होगा माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर तो रॉन्ग आंसर आएगा फिक्स है ठीक है चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन फिफ्थ क्या है बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसकी यूनिट प्लेस बताओ क्या होगी मतलब आपको करना क्या बेसिकली इस इलिप्स की इस लाइन में इमेज फाइंड आउट करनी है तो देखो अपने तो पड़ा हुआ है सर्किल की लाइन में इमेज क्या होगी सर्किल होगी इलिप्स की लाइन में इमेज भी आपकी इलिप्स होगी तो सर्किल में जब लाइन की लाइन में जब आपको क्या करना है, समझो पहले चीजों को एक से, अरे देखो, तो जैसे लेट ये लाइन है आपकी एक सर्किल है तो सर्किल में लाइन की इमेज के लिए क्या करोगे इतनी डिस्टेंस पे सर्किल नीचे बनेगा तो सर्किल के का जो सेंटर है तो सेंटर की इस लाइन में इमेज लोगे तो इस सर्किल का सेंटर होगा ना और रेडियस तो दोनों की सेम होगी तो ऐसे आंसर आ जाएगा इसका एलिप्स में क्या करना है देखो रफली डायग्राम तो यही है कि जैसे लाइट आपका एलिप्स है और ये एक लाइट लाइन है कट भी कर सकती कोई दिक्कत नहीं है तो अब आपको इसकी इमेज लेनी तो उसकी इमेज मैंने रफली बना दी ऐसे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है बेसिकली आप जो गिवन एलिप्स पे इस पे एक पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट लेट करो भाई इसका मीनिंग क्या है इस इलिप्स पे कोई भी पॉइंट लोगे ना तो उस पॉइंट की इमेज आपकी कहाँ दिखेगी इस दूसरे इलिप्स पे देखेगी इसका मतलब इस पॉइंट पी की इस एलिप्स पे जो पॉइंट पी है इसकी इस लाइन में जो इमेज लोगे वो सारी इमेज क्या होंगी इस सेकेंड लिप्स पे दिखेंगी तो आपको मतलब इस पॉइंट पी का जो सॉरी इस पॉइंट पी की इमेज है वो इधर दिखेगी ना इसको लेट कर दो लेट H, K. मेरी बात को केयरफुली देखना जैसे पॉइंट पी इधर है तो इसकी इमेज ये एच कोमा के इधर है तो इधर इमेज होगी तो आपको करना क्या बेसिकली इस एच और के, के अच्छी रिलेशन इस एच के का जो लोकस है वही आपका क्या होगा एलिप्स होगा रिक्वायर्ड एलिप्स होगा तो ये तो है प्रॉपर मेथड तो इसमें तो क्या करते हैं समझ लो आप ये पॉइंट ये फोर है ना और ये सोलह है तो ए तो चार आ गया बी तीन आ गया ना तो इस इलिप्स पे अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट लेट करो तो क्या लेट करोगे 4 प्लस फोर कॉस थीटा और 3 प्लस थ्री साइन थीटा और सिंपल मेथड है ये पॉइंट लेट किया ये एच कोमा के है तो पॉइंट की लाइन में इमेज का फॉर्मूला क्या पड़ा था x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू लाइन में पॉइंट पुट करो अपॉन ए स्क्वायर ये लिखने के बाद फर्स्ट और थर्ड को पकड़ोगे तो आपको थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी एच की टर्म में और सेकेंड और थर्ड से साइन थीटा की वैल्यू पता चलेगी की टर्म में और आ गया तो दोनों को करके क्या कर देना? कर देना देना तो उससे आपका रिक्वायर्ड इलिप्स आ जाएगा ठीक है और उस इलेप्स को लिखने के बाद देख लेना कि K1 K2 का सम क्या होगा ये तो है प्रॉपर मेथड बट इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा मेथड है उसको समझना ढंग से कि वो मेथड क्या हो सकता है और ये क्वेश्चन दिया इसलिए गया है और ये फिक्स है हर क्वेश्चन में ध्यान रख लो सब मेरी देखो जैसे लेट ये आपका एलिप्स है थोड़ा समझो एक बार ये लेट आपका एलिप्स है स्टैंडर्ड एलिप्स लेट करके समझा रहा हूं मैं आपको जिसका सेंटर जीरो जीरो है और ये लेट है लाइन आपकी वाई इक्वल टू एक्स और आपको वाई इक्वल टू एक्स में इसकी इमेज फाइंड करनी तो देखो क्या होगा बेसिकली y इक्वल में जब इमेज ये एंगल 45 है ना तो जब y इक्वल टू एक्स में इमेज लोगे तो बेसिकली होगा क्या ये पॉइंट अगर जीरो कोमा है, सिंपल सी बात है, अगर आप इस लाइन में इस, सरक, इस की इमेज लोगे तो ईच पॉइंट की इस लाइन में इमेज आपकी सेकेंड इलिप्स पे लाई करेगी जिसकी इमेज जो इमेजेज इलिप्स आपको फाइनल करना है क्या बोल रहा हूं मैं आपसे ये इलिप्स ये लाइन है इस लाइन में इस एलिप्स की चाहिए इमेज तो एलिप्स के इस इलिप्स पे जो ईच पॉइंट है उस पॉइंट की जब इस लाइन में इमेज लोगे तो सेकेंड इलिप्स पे लाई करने वाली है ना तो आप देखो जीरो जीरो की इमेज क्या होगी जीरो मतलब पॉइंट इधर आ जाएगा।, A, 0 0, इतर इतर आ जाएगा करके देख लो इसका मतलब कुछ नहीं है ये डायग्राम उल्टा हो जाएगा बस मतलब इसकी मेजर एक्सिस तो बन जाएगी माइनर एक्सिस और माइनर एक्सिस बन जाएगी इसकी मेजर एक्सिस ये कब पॉसिबल है जब उसका एंगल 45 जो लाइन है उसका एंगल अगर 45 डिग्री है तो कुछ नहीं करना एक्स जो मेजर एक्सिस है उसको बना दो माइनर एक्सिस और माइनर एक्सिस को क्या बना देना है मेजर एक्सिस और सेंटर उसका अभी तो जीरो जीरो होगा तो केवल सेंटर की क्या लेते हैं इमेज लेते हैं आप तो मैं इसको दोबारा समझाने की ट्राई करता हूं तो एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि तो देखो ये जो लाइन है ना ये लाइन क्या है वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू जिसका स्लोप 45 डिग्री है तो इस केस में इस कंडीशन को आप प्रॉपर मेथड से करोगे तो भी सेम ही मेथड है तो देखो इसको ऐसे समझे देखो इसको ऐसे लिख दो कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस एलिप्स की जब आप इस लाइन में इमेज लोगे तो सिंपल सी बात क्या है इस लाइन का एंगल 45 डिग्री है तो मेजर एक्सिस तो बन जाएगी माइनर एक्सिस और माइनर एक्सिस बिकम दी मेजर एक्सिस इसका मतलब कुछ नहीं करना इन इसको चेंज करना है एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन इक्वल टू वन ये आपका क्या है इसकी इमेज है इस एलिप्स की लाइन दिस पार्ट में अब इनका क्या करना है देखो अपना जो एलिप्स है इसका सेंटर है फोर कॉमा और जो ये लाइन है तो इस लाइन में जब इमेज लोगे ना तो मेजर एक्सिस तो बन जाएगी माइन एक्सिस मतलब डायग्राम उल्टा बनेगा लेकिन इसका सेंटर फोर कॉमर थ्री की इस लाइन में क्या लेनी है इमेज समझे मेरी बात को ये आपका एलिप्स था और इस लाइन का एंगल फोर्टी फाइव है ना तो इसकी इमेज लोगे तो अभी मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं आपको ये इमेज ऐसे बनेगी उल्टा हो जाएगा डायग्राम अभी तो कट करना है इसको तो सेंटर की इमेज तो इधर ही आने वाली है तो क्या करना है आप फोर कॉमा थ्री की इस लाइन में इमेज लोगे तो आपको इस इमेजेज इलिप्स का क्या मिल जाएगा सेंटर इसको मैंने मान लिया अल्फा बीटा ठीक है तो सेंटर ही अगर अल्फा बीटा है तो क्या करोगे एक्स की जगह जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन इक्वल टू वन ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए y इक्वल टू एक्स प्लस सी में पॉसिबल है या माइनस एक्स प्लस सी में भी कर सकते हैं ठीक है उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा तो वो डेरे वो डेरिवेशन करके देख सकते हो आप एक बार एक बार स्टैंडर्ड स्टैंड कर दो एक्स स्क्न ए स्क्वायर अपन बी स्क्र टू वन और लाइन लाइन लेट करो वाई इक्वल टू माइनस एक्स तो सी करके देख सकते ठीक है चलो तो सोल्व करना आप इसको इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स हाँ क्वेश्चन सिक्स एक अच्छा क्वेश्चन है दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि नॉर्मल एक इक्वेशन को सोल्व करना है बट इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प लेनी है देखो लेट एक्स कॉमा वाई वी ए पेयर ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग दि दिस पार्ट इन दिस पार्ट इफ मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू पी अपन क्यू देन सिक्स पी माइनस क्यू एज तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको x और वाई की वैल्यू का मोड लेके एड करना सिंपल सी बात है तो नॉर्मली करोगे तो क्वेश्चन को सोल्व करना पॉसिबल नहीं है आप करके देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं इसमें क्या करना है देखो इधर आ रहा है फिफ्टी सिक्स एक्स एक मिनट सॉरी फिफ्टी सिक्स एक्स है ये माइनस के छप्पन वाई है तो इसमें क्या करना बेसिकली सुन लो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना और वाई है ना तो इस फर्स्ट इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना बस उसके बाद क्वेश्चन फिनिश है तो देखो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करो और उसमें ऐड करोगे तो क्या गया 56 सिक्स आयोटा एक्स प्लस माइनस फिफ्टी वाई तो जब 56 सिक्स कॉमन लोगे तो ये आ गया आयोटा एक्स माइनस की वाई प्लस थर्टी वाई आयोटा प्लस अभी दिख जाएगा टेंशन इक्वल तो टू तो क्या होगा एड करने पे एलसीएम कर सीम आ गया एक्स वाई और इधर आ गया

आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड तो क्या बन जाएगा एक्स x आयोटा भाई इसको ले सकते हैं जेड प्लस जब 33 कॉमन लोगे तो ये भी जेड आ गया ना और इक्वल टू आ गया ये जेड बार अपॉन ये क्या मोड जेड का स्क्वायर है ये मोड जेड स्क्वायर है और मोड जेड स्क्वायर को लिख सकते हो जेड z जेड बार तो क्या आ गया z जेड बार ये इससे कैंसिल आउट हो गया इन दोनों में जेड कॉमन लोगे तो जेड स्क्वायर आ गया ना तो सिंपल एक काम करो जेड कॉमन लेके जेड स्क्वायर और थर्टी थ्री प्लस फिफ्टी सिक्स आइटा को ले जाओ डिवाइड में तो ये आ गया जेड स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टेंशन मतलब सिंपल ये आने के बाद क्या कर दो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड तो जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो जेड स्क्वायर इक्वल टू थर्टी थ्री माइनस फिफ्टी सिक्स आयोटा अपॉन ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये आ जाएगा आपका कितना थर्टी थ्री का स्क्वायर करो फिर छप्पन का स्क्वायर करो तो इसको करना घट कर जा तो ये आने वाला है सिक्सटी फाइव का स्क्वायर तो जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो जेड आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ तो जेड का मीनिंग क्या एक्सप्ल आयोटा है ना तो आयोटा क्या होगा इसका रियल पार्ट और वाई क्या होगा इमेजिनरी पार्ट का अब इस रूट वाले पार्ट में कुछ नहीं करना इसकी वैल्यू के लिए इसको लेट कर दो ए प्लस आयोटा वी इसको ए प्लस आयोटा वी लिख लो रूट ऑफ थर्टी थ्री माइनस के छप्पन आयोटा टेंशन में तो बहुत सिंपल है इसकी स्क्वायरिंग तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू to टू थर्टी आपने सबने पढ़ा होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इससे ए स्क्वार माइनस बी स्क् थर्टी थ्री और टू ए बी आ गया, गया माइनस के छप्पन बीस स्क्र का फॉर्मूला क्या लिखोगे ए स्क्र माइनस बीस का होल स्क्स टू ए बी का होल स्क्वायर तो उससे ए प्लस बी स्क्वर की वैल्यू पता चलेगी तो सोल्व करोगे तो उससे सीधा ए और भी आने वाला है तो ए तो आता है सेवन और बी आएगा माइनस के फोर ये खुद करना मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली और जब ये मतलब सिंपल आपको इसका इसको रूट फाइंड आउट करना है जैसे ही इसका रूट करोगे तो ए प्लस आई टा की फॉर्मेट में होगा उससे ए और भी आ जाएगा अब कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ही मानो अपन को पता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के टोटल चार आंसर आने वाले हैं कुछ भी लोग क्योंकि उसने मोड एक्स प्लस मोडवाई की वैल्यू पूछी हुई है तो केवल अपन को न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान देना है ठीक है तो एक तो आता है उसमें फोर और एक सेवन तो एक तो आ जाएगा फोर अपॉइंट सिक्सटी फाइव एक आ जाएगा सेवन अपॉइंट सिक्सटी फाइव तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या गया बटे क्या होगा 11 65, तो तो कैलकुलेशन माइनस पैंसठ और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन देखो हां टू स्टेप एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्टेप एक्स का मतलब भिन्नात्मक फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब पार्ट पार्ट जिसका आउटपुट डेसिमल पार्ट होगा ठीक है तो आपको टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको क्या करने फाइंड आउट स्टेप एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू फैक्शन पार्ट के टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में आप स्टेप सेकंड सॉरी इसमें स्टेप एक्स को इन्होंने हिंदी लिखना भूल गए इसको लिखो देन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कुल हलों की संख्या क्या होगी ये गलत लिखा उन्होंने? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो क्या करना है इसमें स्टेप एक्स को आई लेट करो और फ्रैक्शनल पार्ट को अपन एफ लेट कर लेते ठीक है तो कंप्लीट क्वेश्चन देखो क्या आने वाला है ये तो आ गया टू आई इक्वल टू एक्स का मतलब क्या होगा आई प्लस एफ किसी भी नंबर एक्स को लिख सकते अपन इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट आई प्लस एफ और ये आगे टू एफ सही है ना तो कितना आगे से आई इक्वल टू आगे बेटा थ्री एफ यस सर वी नो दैट एफ लाइज बिटवीन जीरो टू वन एफ की वैल्यू आपकी जीरो टू वन होगी तो एफ की वैल्यू तो क्या अपॉन थ्री लाइज बिटवीन जीरो टू वन जैसे आप इसको मल्टीप्लाई किया तो देन आई की वैल्यू क्या होगी जीरो से लेके थ्री के बिटवीन आई आपका एंटीजर है तो आई की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है जीरो वन एंड टू तो इसके अकॉर्डिंग देखो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी x का मीनिंग क्या था i प्लस एफ था ना तो देखो फर्स्ट आंसर क्या हो सकता है अगर आपने i को जीरो लिया i को जीरो काम करो इसमें पुट कर दो तो f कितना आ गया जीरो i जीरो जीरो तो एक नंबर तो आ गया x इक्वल टू जीरो जब i को वन लोगे तो i को वन लेने पे f आ गया टू अपॉइंट थ्री तो वन प्लस टू अपॉइंट थ्री फाइव थ्री तो x की सेकेंड वैल्यू दिस होगी तो नंबर ऑफ सोल्यूशन तो पूछा गया तो थ्री आंसर आएंगे सिंपल और i को टू f तो आ गया सॉरी ये आ जाएगा फोर अपॉइंट थ्री और अगला क्या होगा i को टू लोगे तो टू प्लस टू अपॉइंट थ्री दिस इज सिक्स अपॉन थ्री तो टोटल इसके थ्री सॉल्यूशन होंगे तो आपको तो थ्री आंसर इसका फिल करना ठीक है चलो तो थैंक यू बेटा